अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें आपको आवाज़ आ रही है मैसेज करके। क्या आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है बेटा। अच्छा जी, हम रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। जी बेटा, हम रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। हम हमने ये कहा था कि एग्जाम क्वेश्चन तीन तरह से आ सकता है। एग्जाम क्वेश्चन तीन तरह से आ सकता है, तो कोई बच्चा बताएगा कैसे कैसे आ सकता है मैसेज करके। एग्जाम क्वेश्चन तीन तरह से आ सकता है। जी, वो तीन तरह से क्वेश्चन क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, ठीक है जी। एक बच्चे ने कहा कि सर, पहली तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वो हमसे स्पेशल ऑर्डर की डिसीजन मेकिंग मांग ले। वन ऑफ स्पेशल ऑर्डर की डिसीजन मांग ले कि कंपनी को ये स्पेशल ऑर्डर करना चाहिए या नहीं। उसके अलावा दूसरा वो क्वेश्चन में आपसे कह सकता है कि बिड प्राइस ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालें बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। ये क्लियरली मेंशन होगा या कोई रेलेवेंट कॉस्टिंग की टर्म यूज की होगी बाय यूजिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच इस तरह। हाँ जी, तीसरा वो आपसे कह सकता है कि लोएस्ट बिड प्राइस निकाले या मिनिमम बिड प्राइस। लोएस्ट बिड प्राइस या मिनिमम बिड प्राइस ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी बेटा, ये तीन तरह से सवाल हो सकता है। आवाज नहीं आ रही बच्चों? वो कह रहे आवाज नहीं आ रही। मेरे एंड पे तो इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। आ रही है, वो कहते हैं सर आ रही है। तो जिसको आवाज नहीं आ रही उसका इंटरनेट का इशू है, वो रेस्ट करे, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग सुन ले बाद में। तो मेरे एंड पे आवाज, मेरे एंड पे जब भी नेट जाएगा तो मैं बता दूंगा और रिपीट करूंगा। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था, तीनों का फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद हमने कहा था कि रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसका जवाब था हर वो कॉस्ट, हर वो एक्सपेंस जिसके अंदर तीन खूबियां पाई जाए। हर वो कॉस्ट, हर वो एक्सपेंस जिसके अंदर तीन खूबियां पाई जाए। पहली, फ्यूचर की कॉस्ट हो, कैश में पे होने वाली कॉस्ट हो, और तीसरा डिसीजन की वजह से पे करनी हो। तो हर वो कॉस्ट जो फ्यूचर की कॉस्ट होगी, कैश में देंगे कॉस्ट और डिसीजन की वजह से देंगे,
अगर डिसीजन की वजह से माजी में दे चुके हैं तो वो रेलेवेंट नहीं थी। फिर हमने रेलेवेंट कॉस्ट की टाइप्स पढ़ी और इररेलेवेंट कॉस्ट की भी टाइप्स पढ़ी। जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को कोई एम्बिग्विटी है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं आप, लेकिन वो फिर आपने सवाल पूछना तो मुझे मैसेज कर दें, मैं माइक ऑन कर दूंगा, नहीं तो वो बच्चों की वैसे ही मैं आवाज़ें आती रहती हैं। तो हमने कहा था कि रेलेवेंट कॉस्ट चार तरह की हैं और इररेलेवेंट कॉस्ट भी चार तरह की है। हर वो कॉस्ट जो एडिशनल अमाउंट आपको डिसीजन की वजह से देनी पड़ेगी, एडिशनल अमाउंट जो आपको डिसीजन की वजह से देनी पड़ेगी, हर इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाएगी और वो रेलेवेंट है। अगर डिसीजन की वजह से आपका कोई भी फ्यूचर में लगने वाला एक्सपेंस, फ्यूचर में लगने वाला एक्सपेंस अगर बच जाए तो वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। और कौन सी थी? डिफरेंशियल कॉस्ट। हमने कहा था डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीमेंटल और अवॉइडेबल दोनों को कवर करती है। एक मिनट में चाय पी रहा हूँ, जरा बताता हूँ। जी बेटा, चौथी कॉस्ट हमारी जो है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो डिसीजन में हमेशा रेलेवेंट होगी। उसके बाद जो इररेलेवेंट कॉस्ट हमने पढ़ी, उनमें पहली वो कोई कॉस्ट है जो चाहे डिसीजन की वजह से आप माजी में पास्ट में दे चुके हैं, कमिटेड कॉस्ट इसके बाद थी एक। कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसकी पेमेंट तो फ्यूचर में होनी है, कैश में होनी है, लेकिन हमने इसका जो लीगल एग्रीमेंट किया था वो पास्ट में किया था, वो कॉस्ट सारी कमिटेड कॉस्ट या प्रॉमिस कॉस्ट है। इसके बाद हमने अनअवॉइडेबल कॉस्ट पढ़ी थी कि जो डिसीजन की वजह से सेव ना हो सके, और आखिर में जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए लेते हैं नोशनल कॉस्ट। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि नोट्स रीड करें, इसमें लाजमन, इसमें सिर्फ सवाल नहीं करने, नोट्स को भी रीड करना है, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। तो ये नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूं, सिवाय इसके। इसके सिवाय ये नहीं लिखा हुआ नोट्स में। ये नोट्स में बच्चे लिख लेते होते हैं ये अपनी कॉपी पे कि क्वेश्चन तीनों स्टाइल में से किसी एक स्टाइल पे आ सकता है। अच्छा, इसके बाद हमने एक एक आइटम की रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ना शुरू की थी। तो सबसे पहले हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड स्टार्ट की थी। हमने कहा था ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट किस तरह निकालते हैं। तो हमने कहा था ब्रॉडली स्पीकिंग ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स और दूसरे होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स और दूसरे होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स में हमारे पास चाहे वेरिएबल फैक्ट्री के प्रोडक्शन ओवरहेड्स हों या वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स हो, ये तमाम हमने कहा था ऑलवेज ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट होंगे, चाहे वेरिएबल प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स हो या वेरिएबल सेलिंग हो। ठीक है, चाहे वेरिएबल प्रोडक्शन हो या वेरिएबल सेलिंग हो, ये तमाम ओवरहेड्स वेरिएबल नेचर के हमने कहा था ये हमेशा रेलेवेंट होंगे।
ये भी रेलेवेंट होंगे, क्योंकि ये इनकरी तब होते हैं जब कोई एक्टिविटी लेवल परफॉर्म हो। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स में तीन तरह के फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड में तीन तरह के फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं। हाँ जी, तीन तरह के फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, दो नहीं तीन तरह के। फिक्स्ड ओवरहेड में तीन तरह के फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड में पहले होते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिर होते हैं फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। ये थोड़ा सा मैं आज और डिटेल से बता रहा हूँ। और एक होते हैं फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट। इन तमाम को आगे फर्दर स्प्लिट किया जाता है कि या तो ये बिजनेस के एग्जिस्टिंग वाले होंगे, जर्नल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, या ये एडिशनल होंगे जिसको एट्रीब्यूटेबल भी कहा जाता है। इसी तरह इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं। ये हमने ये दो कैटेगरीज मेन पढ़ी थी, तो हमने जो पढ़ा था वो सारे फिक्स कॉस्ट के लिए पढ़ा था, वो गलत नहीं था। लेकिन आज हमने जरा थोड़ा डिटेल से और देख लिया कि फिक्स में चाहे फैक्ट्री के फिक्स हों, ये फैक्ट्री की फिक्स होती है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री की, सेलिंग के फिक्स हों या एडमिन के फिक्स हों, तमाम फिक्स कॉस्ट को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। अगर तो वो बिजनेस की एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड है तो उनका रूल क्या था? हमने कहा था जो एग्जिस्टिंग वाले होते हैं वो इररिलेवेंट होते हैं, और ये जो एडिशनल या एट्रीब्यूटेबल वाले फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं ये, या इनको इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड भी कहते हैं, ये रेलेवेंट कॉस्ट होती है। तो सेम असूल यहां पे था, अगर फिक्स सेलिंग में एग्जिस्टिंग फिक्स सेलिंग कॉस्ट है तो इररिलेवेंट, और अगर एडिशनल या एट्रीब्यूटेबल है तो वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। यानी मैंने अब तमाम वेरिएबल और तमाम फिक्स्ड ओवरहेड को अलग अलग बता दिया। इधर भी ऐसे ही है, एग्जिस्टिंग वाले इररिलेवेंट एडमिन में, और जो एडिशनल एडमिन कॉस्ट होगी, एडिशनल या एट्रीब्यूटेबल, एडिशनल या एट्रीब्यूटेबल, ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी। हाँ जी, ये पढ़ लिया था। इसके बाद हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल पढ़े थे। चलो आए जरा थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं एग्जांपल्स की, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड की प्रैक्टिस करते हैं जनाब। वेट करें, मैं एग्जांपल कॉपी कर लूं। जी बेटा, ये एग्जांपल है हमारे नोट्स में, तो ये मेरे पास जरा पुराने नोट्स पड़े हैं सॉफ्ट फॉर्म में कहीं, तो आपके नोट्स में ये एग्जांपल 23 होगी अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है। नहीं भी है तो यहाँ से पढ़ लें, कोई मसला नहीं। एग्जांपल्स करनी है हमने और आज लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है। तो ये ओवरहेड्स की एग्जाम्पल है।
डाटा देखें वो क्या देता है, वो कहता है कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट ओवरहेड कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, आपने रेलेवेंट ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है। तो डाटा क्या दिया हुआ है, अ प्रोजेक्ट विल रिक्वायर 3600 लेबर आवर्स टू कंप्लीट विद इन वन ईयर। जी प्रोजेक्ट कितने अरसे में कंप्लीट होना है, एक साल में, और इसको मुकम्मल करने में टोटल लेबर आवर जो लगेंगे वो 3600 घंटे लगेंगे, ये प्रोजेक्ट के लेबर आवर है। कंपनी हैज वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 8 रुपीज पर आवर, कंपनी का जो वेरिएबल ओवरहेड का रेट है वो 8 रुपए पर आवर है, ये तो रेलेवेंट होगा हमेशा। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये बिजनेस के एग्जिस्टिंग वाले होते हैं, ये रेलेवेंट नहीं होता। ये जो फिक्स का रेट पर आवर दिया है ये रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस की सारी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट से निकला होता है। ये 8 रुपए रेलेवेंट होते हैं। अब आपने जब रेलेवेंट ओवरहेड्स लिखने हैं तो उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लिखेंगे बताएं मुझे, जब आप रेलेवेंट कॉस्ट लिखेंगे तो उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लिखेंगे, तो मेरा ख्याल है 8 रुपए पर आवर इनटू 3600 लेबर आवर, तो 28800 रेलेवेंट होगा। ये 4 रुपए वाले जो है ये नहीं लेने, कभी भी नहीं लेने। ये ना कर दीजिएगा कि आप यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड भी लिख दें। अगर आप फिक्स्ड ओवरहेड को ऐसे लिखते हैं ना 4 रुपए पर आवर, ये अकाउंटिंग के हिसाब से तो ठीक है क्योंकि ये फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब आ जाएंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ये गलत है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ये करना गलत है, ये फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब निकल आएंगे, गलत है ये। हमें एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए होते हैं। आगे वो कहता है अ जूनियर अकाउंटेंट हैज कंसीडर्ड टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब, किसी अकाउंटेंट ने ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाले हुए हैं पहले से 43200, तो ये गलत होंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो एडिशनल फिक्स चाहिए। वो कहता है एंड इन एडिशन टू इट का मतलब होता है इसके अलावा और क्या होगा, एक्स्ट्रा वेयर हाउस चाहिए होगा जिसका रेंटल पड़ेगा 1800 रुपए पर मंथ। तो ये जो 1800 रुपए पर मंथ है रेंटल पर मंथ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पर मंथ नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का है। तो अगर 1800 रुपए का रेंट है एडिशनल फिक्स कॉस्ट में, ये आपके पास रेंट की कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन पर मंथ नहीं लेनी, हमें टोटल चाहिए होगी। अठारह सौ पर मंथ इंटू 12, जी बताएं जी क्या आता है, 21600 की एडिशनल फिक्स कॉस्ट है। तो ये टोटल रेलेवेंट ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। ये रेलेवेंट, इस तरह की छोटी छोटी एग्जाम्पल है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारे नोट्स में एग्जाम्पल मौजूद है, 25-26 एग्जाम्पल है, तो आपने आज वो सारी एग्जाम्पल करनी होंगी, मैंने एक करवा दी है। ठीक है, एग्जाम्पल 24 और 25 ये घर से करके लानी है आपने, लिख लें। एग्जाम्पल 24 अगर कोई मसला होगा तो कल क्लास में बात करेंगे। एग्जाम्पल 24 और 25 हमारा होमवर्क है। अच्छा, ये एग्जाम्पल छोटी छोटी इन रूल को ही पक्का करने के लिए है। इसके बाद हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पढ़ी हुई थी तो वो हम रिवाइज करते हैं। ये तो मैंने बीच में एक एग्जाम्पल करवा दी ताकि आपको डिफिकल्टी लेवल का या सवाल पढ़ना आ जाए। ये मेरा ख्याल है क्या आता था, 8 से 14, 50400। नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भेज दें। अच्छा, मेरे पास शायद पुराने हैं ये, तो मैं भेज देता हूँ जो हैं, क्योंकि फोटो कॉपी के पास नए अपडेटेड हैं।
शायद कोई चीज अपडेटेड ना हो तो आप को मैं ये भेज रहा हूँ, तो आप ले लें मास्क, ठीक है, ये मिल जाते हैं आपको, नोट्स भेजने लगे हैं। जी वजह साहब ने सवाल पूछा है कि अगर फिक्स्ड ओवरहेड का रेट क्वेश्चन में दिया हो तो वो हमेशा रेलेवेंट होगा, तो जवाब है जी बिल्कुल हमेशा फिक्स्ड एफओएच अगर एडिशनल दिए हो तो रेलेवेंट होंगे, अगर फिक्स्ड एफओएच पर आवर दिए हो, पर यूनिट दिए हो और वो एग्जिस्टिंग हो तो ये रेलेवेंट, एडिशनल वाले अगर पर यूनिट दे दे वो रेलेवेंट होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर एडिशनल वाले देता ही टोटल में है, पर यूनिट पे पर आवर पे नहीं देता, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में कुछ नहीं लिखा हुआ और फिक्स्ड एफओएच पर आवर दिए तो वो एग्जिस्टिंग है, उनको इग्नोर करना है आपने। आ जाए चले, तो ये ओवरहेड्स की बात हमने समझ ली, हमें उम्मीद है समझ आ गई होगी, ज्यादा बेहतर तरीके से हमने की होगी, रिवाइज कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं पढ़ रहे, ये बात ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं हम, तो हमने इसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल को पढ़ा था, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल को पढ़ा था, हमने मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कंप्लीट की थी। हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पढ़ी थी, तो हमने कहा था इसमें पहली मेन सिचुएशन ये है कि हम मटेरियल इंटरनली प्रोड्यूस करते हैं, एरो शेरो नहीं बना रहा दोबारा, बस लिख रहा हूं, पहली सिचुएशन ये थी कि हम मटेरियल को इंटरनली प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट रेलेवेंट होगी, जिसमें मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तो लाजमी आएंगे, फिक्स्ड एफओएच जरा हमने ध्यान से देखने है। दूसरी सिचुएशन थी कि अगर हम मटेरियल परचेज करते हो, अगर हमारा इदारा मटेरियल सप्लायर से परचेज करता हो, खुद ना बनाता हो, तो इसके अंदर सब सिचुएशन थी, तो पहली सिचुएशन थी मटेरियल इज नॉट इन अवेलेबल इन स्टॉक, मटेरियल स्टॉक में ना हो, तो फिर हमने कहा था अगर स्टॉक में ना हो ऐसा मटेरियल जो हमें चाहिए होता है तो फिर हम उसको क्या नाम है ओपन मार्केट से परचेज करेंगे, तो इस केस में रेलेवेंट कॉस्ट हमने कहा था करंट परचेज कॉस्ट होगी, अगर मटेरियल जो चाहिए वो स्टॉक में ना हो, अगर वो स्टॉक में हो लेकिन किसी रेगुलर प्रोडक्शन के लिए पड़ा हुआ है, आप जो मटेरियल खरीदते हैं वो स्टॉक में है लेकिन वो किसी रेगुलर प्रोडक्शन के लिए पड़ा हुआ है, तो तब भी हमने कहा था स्पेशल ऑर्डर की वजह से रेगुलर प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम ओपन मार्केट से मटेरियल परचेज करेंगे और रेलेवेंट कॉस्ट होगी करंट परचेज कॉस्ट। तीसरी इसमें यह थी कि मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में लेकिन उसका कोई रेगुलर यूज नहीं है,
तो इसके अंदर मैंने आपको कई सिचुएशन बताई थी। इसमें पहली सिचुएशन थी कि वो स्क्रैप भी नहीं हो सकता, ना कहीं यूज हो सकता है, ना वो स्क्रैप हो सकता है ना वो यूज हो सकता है। बताओ भाई क्या होगी रेलेवेंट कॉस्ट? हाँ जी, रेलेवेंट कॉस्ट इस कॉस्ट में, इसमें, इस केस में क्या थी? हमने कहा था इस केस में रेलेवेंट कॉस्ट निल होगी अगर वो स्क्रैप हो सकता हो अगर वो स्क्रैप हो सकता हो देन अगर वो स्क्रैप हो सकता हो तो हमने कहा था हम उसको स्क्रैप करने की बजाय, हाँ जी, हम उसको स्क्रैप करने की बजाय जब यूज करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगी, स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। तो अगर वो स्क्रैप हो सकता है और हम उसको स्क्रैप करने की बजाय अपने स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर ले तो इस केस में स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन जो थी वो रेलेवेंट कॉस्ट थी। खाली स्क्रैप वैल्यू तो बेनिफिट का फील देती है, खाली स्क्रैप वैल्यू नहीं कहना, स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन will be your relevant cost when you use the material rather than selling as scrap. उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास सिचुएशन क्या थी कि हमारा मटेरियल स्क्रैप नहीं हो सकता लेकिन उसकी डिस्पोजल कॉस्ट थी, यानी वो मटेरियल की डिस्पोजल कॉस्ट है और अगर हम ऐसे मटेरियल को यूज कर लें अपने स्पेशल ऑर्डर पे तो उसकी डिस्पोजल कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद अगली सिचुएशन हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे मटेरियल की स्क्रैप भी है और उसका कोई अदर नॉन रेगुलर यूज है, रेगुलर यूज नहीं है अदर यूज भी है, तो फिर उस केस में हमने क्या कहा था बताएं? हाँ जी, उसमें हमने कहा था दोनों जो यूज हैं स्क्रैप या अदर, दोनों में से जो हायर बेनिफिट है उसको फॉरगॉन करेंगे, तो हायर फ्यूचर बेनिफिट फॉरगॉन हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो ये मटेरियल के सारे रूल्स थे जो हमने पढ़े थे मेन, कि या तो हम प्रोड्यूस करेंगे या हम परचेज करेंगे। हाँ जी, आ जाए, प्रैक्टिस करनी है, अब हमने प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, आपके नोट्स में एग्जांपल है जनाब, मटेरियल की एग्जांपल है, एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू होकर एग्जाम्पल 12 तक, यानी जो मैंने ये मटेरियल की किया है रेलेवेंट कॉस्ट के रूल, इसमें एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 12 तक है। तो मैं एक दो कराऊंगा, बाकी आपने घर से खुद प्रैक्टिस करनी है कल इसकी। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल अगर आपने ना की तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होना आपसे, मैं बता दूं। तो ये एग्जाम्पल आपने लाजमी करनी है, मैं एक दो करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो ये एग्जाम्पल 1 है जिसको यहाँ अंडरस्टैंडिंग 1 लिखा हुआ है, ये नोट्स आपके पास जो होंगे उसमें एग्जाम्पल 1 होगी। हाँ जी, चले जी, क्वेश्चन में वो क्या कहता है, क्वेश्चन में वो कहता है कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालनी है फॉर स्पेशल ऑर्डर। तो आपने टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है फॉर स्पेशल ऑर्डर, ठीक
ठीक है। अच्छा डेटा क्या दिया हुआ है, अ कंपनी इज टेकिंग अ डिसीजन फॉर अ स्पेशल ऑर्डर दैट रिक्वायर्स थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल। हाँ जी, आपको तीन मटेरियल चाहिए, आपको तीन तरह के मटेरियल चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को या ऑर्डर को परफॉर्म करने के लिए। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का असूल है कि सबसे पहले आप उन तीनों मटेरियल की क्वांटिटी निकालें कि हर मटेरियल की कितनी कितनी क्वांटिटी आपको टोटल चाहिए, पर यूनिट नहीं टोटल। डेटा उसने आपको क्या दिया हुआ है, तीनों मटेरियल का डेटा दिया और उसने खुद दे दिया हर मटेरियल की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, लेकिन पेपर के सवाल में ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं दी होगी, आपको निकालनी पड़ेगी एक यूनिट पे जितना मटेरियल लगता है इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। तो हर मटेरियल पे कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, मटेरियल ए पे 500 केजी, बी पे 400 और सी पे 300। हमारे पास पहले से इन्वेंटरी में 100 केजी पड़ा हुआ है, पुराना स्टॉक में पड़ा है, इसका मतलब है 400 केजी तो लाजमन खरीदना ही खरीदना है। ओरिजिनल परचेज कॉस्ट दी हुई है आपको, ओरिजिनल परचेज कॉस्ट जिसपे आपने ये 100 केजी खरीदा था, ये आज की परचेज कॉस्ट नहीं है, जिस कॉस्ट पे ये 100 केजी खरीदा था ये संक है, ओरिजिनल परचेज कॉस्ट संक कॉस्ट है। हाँ जी, ओरिजिनल कॉस्ट संक कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये माजी की कॉस्ट है जिसपे आपने ये इन्वेंट्री खरीदी थी। करंट परचेज कॉस्ट, हाँ ये रेलेवेंट हो सकती है, और स्क्रैप वैल्यू, ये भी कुछ हालात में रेलेवेंट होगी, सब सिचुएशन में रेलेवेंट नहीं होगी। इस एग्जांपल का सलूशन नोट्स में गलत है, ठीक है। तो ये अब आपके पास मटेरियल ए है, 500 केजी चाहिए, 100 केजी पड़ा हुआ है, जिसकी पुरानी कॉस्ट 40 है, इग्नोर करेंगे, आज नया 55 का खरीद सकते हैं, और अगर पुराना स्क्रैप करें तो 25 का बिक सकता है। वो कहता है मटेरियल ए इज रेगुलरली यूज्ड बाय द कंपनी इन नॉर्मल प्रोडक्शन, आपका जो मटेरियल ए है बेटा उसका रेगुलर प्रोडक्शन में यूज है, यानी ये जो 100 केजी पड़ा हुआ है ये बेकार नहीं है, ये रेगुलर प्रोडक्शन के लिए पड़ा हुआ है। अब अगर ये 100 केजी रेगुलर प्रोडक्शन के लिए पड़ा है तो हम इसको स्पेशल ऑर्डर पे यूज नहीं कर सकते, रेगुलर प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं करते हम इस पड़े हुए को यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रेगुलर यूज हो तो हमने अभी पढ़ा है, किसी भी मटेरियल का जब स्टॉक में पड़ा हो तो रेगुलर यूज हो तो हम पड़ा हुआ इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बाजार से परचेज करते हैं। तो जब भी आप बाजार से परचेज करेंगे तो अब आप 400 केजी नहीं परचेज करेंगे, मटेरियल ए के 500 केजी परचेज करेंगे। यानी अगर मैं इसका थोड़ा एनालिसिस करूं, हमें टोटल चाहिए था 500 केजी, 100 केजी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, 400 केजी मुझे परचेज करना चाहिए था, लेकिन ये जो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है क्योंकि इसका रेगुलर यूज है, इस वजह से मैं 400 की बजाय पूरा 500 का 500 केजी परचेज करने को प्रेफर करूंगा ताकि रेगुलर प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। इस केस में हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी जी जनाब, मटेरियल ए की रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी, कोई बच्चा बता सके मटेरियल ए की रेलेवेंट कॉस्ट क्या आएगी? आपने ये टेबल फॉर्म में सॉल्यूशन करना होता है, अगर थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो तो वर्किंग कर लेंगे नीचे, अगर छोटी कैलकुलेशन हो तो इसके फेस पे ही कर देंगे। जी जनाब, 27,500 आ गया, तो मटेरियल ए की कॉस्ट क्या आती है, जी 27,500 आती है मटेरियल ए की कॉस्ट, 500 का 500 केजी हम परचेज करेंगे, मसला केजी का नहीं है, मसला प्राइस का है, इसमें स्क्रैप वैल्यू इग्नोर होगी,
क्योंकि इसका रेगुलर यूज है। इसके बाद मटेरियल बी के मुतालिक वो क्या कहता है, कहता है 400 केजी चाहिए, 250 केजी इन्वेंटरी में पड़ा है। फौरन नीचे स्टेटमेंट पढ़े, इस 250 केजी के लिए स्टेटमेंट दी हुई है। हाँ जी, तो वो कहता है आपसे मटेरियल बी इज नो लॉन्गर इन यूज। नो लॉन्गर इन यूज का मतलब रेगुलर यूज का नहीं है, एंड कंपनी हैज नो अल्टरनेटिव यूज, इसका कोई और इस्तेमाल भी नहीं है। बट इट कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप, इस 250 केजी को हम 45 पे स्क्रैप कर सकते थे। अगर आप इसको स्क्रैप करने की बजाय यूज कर लेंगे, अगर आप इसको स्क्रैप करने की बजाय 250 केजी को स्टॉक में से या इन्वेंटरी में से यूज करेंगे, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जब मटेरियल का रेगुलर यूज ना हो तो हम पहले स्टॉक वाला यूज करने को प्रेफर करेंगे। जी जनाब बताएं, जो आप स्टॉक में से यूज करेंगे वो आपका बिक सकता था 45 रुपए पर, तो लेकिन ये 45 रुपए पर केजी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, 45 रुपए पर केजी स्क्रैप वैल्यू ऑफ ऑर्गन इनटू 250 केजी, और जो परचेज करेंगे उसकी कॉस्ट होगी 52 रुपए पर केजी इनटू 150 केजी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। 45 रुपए क्या चीज है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ ऑर्गन। तो बताएं जी क्या आंसर आता है? जी जनाब, 11,250 और ये आता है 52 × 150, ये सारी रेलेवेंट कॉस्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या ये हमें समझ आ रहा है कि ये क्यों ऐसा किया है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो अब आ जाते हैं मटेरियल सी की तरफ। मटेरियल सी की तरफ वो कहता है मटेरियल सी के टोटल 350 केजी चाहिए, हमारे पास इन्वेंटरी में 300 केजी पड़े हुए हैं और 300 केजी की स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है। ये देखें तो नीचे वो क्या कहता है 300 केजी के मुतालिक, कहता है मटेरियल सी इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इसका रेगुलर यूज नहीं है। इट कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप, ये 18 रुपए पे स्क्रैप भी हो सकता है, और कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट मटीरियल इन प्लेस ऑफ मटीरियल जी। ये जो सी है ये जी की जगह यूज हो सकता है और जी की जो करंट कॉस्ट है वो अवॉइड हो जाएगी, जी की जो करंट कॉस्ट है ये पैसे बचेंगे आपको। जब आप सी को जी की जगह इस्तेमाल करेंगे तो जी के पैसे ये बचेंगे, सेव होंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी, हमारा सी 18 रुपए पे स्क्रैप हो सकता है, हमारा सी जी की जगह यूज होकर 25 रुपए बचा सकता है। अब ये रेगुलर यूज का नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था अगर रेगुलर यूज ना हो तो पहले स्टॉक में से यूज करेंगे। और फिर परचेज करेंगे सप्लायर से।
अब हमें टोटल 350 केजी चाहिए, जिसमें 300 केजी तो स्टोर में पड़ा हुआ है और पड़े हुए को आप यूज करना चाहेंगे, 50 केजी आप परचेज करेंगे। जो 50 केजी हम परचेज करेंगे वो 45 की करंट कॉस्ट पे होगा, लेकिन ये जो पड़ा हुआ यूज करेंगे नॉन रेगुलर का, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 18 का स्क्रैप आ सकता है या लिखा हुआ है और है, या 25 का बेनिफिट आ सकता है। क्या रूल है जनाब, बताएं क्या रूल है, रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है जी? बिल्कुल हाँ जी, रूल ये कहता है कि अगर आपका मटेरियल स्क्रैप भी हो सकता है और उसका अदर यूज भी है तो हायर फ्यूचर बेनिफिट को फॉरगोन करना है। हायर बेनिफिट इसमें 18 रुपए नहीं है, तो 25 रुपए का जो बेनिफिट है वो फॉरगोन होगा। अठारह क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो बेस्ट बेनिफिट नहीं था, तो आपने 25 रुपए वाला फायदा हासिल करना था। अब अगर आप उस मटेरियल को अपने स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर ले तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी 7,500 ये है, और 50 × 45 2,250 ये है, तो इसका टोटल कर ले, ठीक है? तो ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी। मैंने तो इसी टेबल में सारी खिचड़ी पकाई है। आपको लगता है कि ये साफ सुथरा नहीं हो रहा या हमें समझ नहीं आ रही, तो आप अलहदा से वर्किंग भी कर सकते हैं। नीचे मेन टेबल में गंद नहीं मारेंगे, आप अलहदा से वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है 56,300 का आंसर आता टोटल। ले जी, ये एग्जाम्पल मुकम्मल होगी, मैंने बड़े आराम आराम से एग्जाम्पल करवाई है जी। एग्जाम्पल 3 करेंगे, 2 आपका होमवर्क है, करें जी एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 होमवर्क है मटेरियल की, ये एग्जाम्पल 3 करें, शाबाश। आप खुद करें, मैंने नहीं करानी, आप खुद करें, मुझे बस आंसर भेज दें। शाबाश करें, 2 मटेरियल है मेरा ख्याल है, एक वी है और एक टी है, मटेरियल टी और मटेरियल वी। जो बचा कर ले, वो आंसर मैसेज कर दे प्लीज। ये एग्जाम्पल के ना सोल्यूशन में कभी कभार पीछे गलती हो सकती है, तो आपने छापा नहीं लगाना, आपकी मेहरबानी, खुद करें। आकिब ने जवाब भेज दिया, आके वन बाय वन भेजो यार, टी का लहदा और वी का लहदा, टी और वी का लहदा लहदा भेजो। हाँ जी बिल्कुल सही है।
मटेरियल टी का जवाब बच्चों ने बताना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक है। मटेरियल टी का क्या है, वो कहता है 500 केजी चाहिए, 100 केजी स्टोर में पड़ा हुआ है लेकिन ये रेगुलर यूज के लिए पड़ा हुआ है, तो हम इस 100 केजी को नहीं छेड़ेंगे, पूरे का पूरा 500 केजी परचेज करेंगे, पूरे का पूरा 500 केजी ओपन मार्केट से परचेज कर लेंगे। तो 22,500 की कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, इस सवाल में ये जो डिस्पोजल प्राइस दी हुई है, याद रखें डिस्पोजल प्राइस और डिस्पोजल कॉस्ट में फर्क है। ये डिस्पोजल प्राइस स्क्रैप वैल्यू को ही कहते हैं, डिस्पोजल प्राइस सेल प्राइस को कहते हैं, डिस्पोजल कॉस्ट और चीज होती है। डिस्पोजल प्राइस, वजाहत बुखारी गलत बता रहे हैं वजाहत साहब, ये डिस्पोजल प्राइस स्क्रैप वैल्यू होती है। आपने डिस्पोजल के लफ्ज को रट्टा लगा लिया है, ऐसा नहीं है। डिस्पोजल प्राइस स्क्रैप वैल्यू है, डिस्पोजल कॉस्ट खर्चा है। अब इसमें क्या होगा, वो कहता है मटेरियल वी जो है वो 400 केजी चाहिए, हमारे पास 200 केजी स्टोर में पड़ा है और जो स्टोर में पड़ा है उसका रेगुलर यूज नहीं है, दो सौ के जी स्टोर में पड़ा है, तो पहले स्टोर वाला यूज करेंगे और फिर बाद में रिमेनिंग परचेज करेंगे। पहले स्टोर वाला यूज क्यों करेंगे, क्योंकि इसका रेगुलर यूज नहीं है, तो हमने 200 के जी परचेज करना है और 200 के जी ही यूज करना है स्टोर से। जो परचेज होगा उसकी तो कॉस्ट 42 रुपए पर के जी है। अब जो स्टॉक में से यूज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती, परचेज कॉस्ट भी नहीं है, वो 200 केजी 40 के रेट पे बिक सकता था ऊपर मार्केट में, स्क्रैप हो सकता था, 40 रुपए के रेट पर बिक सकता था, 40 के रेट पे बिक सकता था। कहाँ लिखा हुआ बिक सकता था, नहीं लिखा हुआ लेकिन दी हुई स्क्रैप वैल्यू, तो जब आप उसको यूज करेंगे तो 40 रुपए स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन होगी, ये स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन है, डिस्पोजल प्राइस स्क्रैप वैल्यू को कहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगा 8,000, 16,400 और 22,500 ले जी, ये टोटल आ जाएगी। ठीक है, टोटल फिर अब आप कर लीजिएगा, 38,900 रुपए। ये मैंने एग्जाम्पल वन करवाई थी उसी तरह की है, एग्जाम्पल टू आपको दिया है, एग्जाम्पल थ्री आपने करनी है, तो एग्जाम्पल थ्री की क्लास में। अब ये एग्जाम्पल बहुत छोटी छोटी सी हैं, करें जी एग्जाम्पल फोर करें। ये वाली एग्जाम्पल करें, शाबाश। जी जो बच्चा कर ले वो आंसर भेज दे प्लीज, मैसेज कर दे।
जो बच्चा कर ले वो बता दे। हाँ जी, तो जवाब आ रहा है, बच्चे जवाब बता रहे हैं और ठीक जवाब है जो आ रहे हैं। जो जवाब आपने बताए हैं वो ठीक है। और ये कौन पागल व्हाट्सएप में भी मैसेज करी जा रहा है, इधर करो मैसेज। और शुरुल, ओ भाई व्हाट्सएप में भी मैसेज करी जा रहे हो। वैस झूले लाल भाईजान, एक तरफ मेरा दिमाग है, व्हाट्सएप पे भी देखूं इधर भी देखूं, आप की करी जाने हो। ये अवैध साहब जो भी हैं, ये गोंगलू बच्चा जो है, इसे बताओ कि मैसेज इधर ही करना है। क्या अवैध साहब इधर बैठे हैं जिनका वहां नाम अवैध आ रहा है? 0347 855 72 52। चलो ठीक है, इधर ही मैसेज करना है। सर हमें दूसरों के मैसेज शो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे इसलिए मैंने बंद किए हुए हैं। देख देख के जवाब लिख देते हैं बच्चे ना, फिर इधर ही करें मैसेज, इधर ही। अच्छा देखिए सवाल में क्या करना है, सवाल में क्या करना है। वो कहता है, सवाल सिंपल है, बस उसने थोड़ा आपको तंग किया। अ कंपनी इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स 4000 kg ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हमें क्वांटिटी देखनी होती है कितनी चाहिए, तो हमें जो क्वांटिटी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए 4000 kg चाहिए। दैट इज रेगुलरली यूज बाय द कंपनी इन नॉर्मल प्रोडक्शन। कहता है जो मटेरियल चाहिए वो रेगुलरली यूज होता है। इसका मतलब है जो इन्वेंट्री में अगर पड़ा होगा तो हम इन्वेंट्री वाला यूज नहीं करेंगे, हम सारे का सारा मटेरियल ओपन मार्केट से परचेज करेंगे। पड़े हुए को यूज क्यों नहीं करना, और रेगुलर प्रोडक्शन के लिए पड़ा हुआ है। तो 4000 kg को हमने करंट परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब करंट परचेज कॉस्ट नहीं दी हुई अभी। कहता है 2500 kg मटेरियल जो था वो लास्ट मंथ परचेज किया गया था। 2500 kg लास्ट मंथ खरीदा था 20,000 रुपए का, और ये इन्वेंट्री में पड़ा भी हुआ है। 2500 kg लास्ट मंथ खरीदा था, तो बेटा 2500 kg अगर लास्ट मंथ खरीदा था 20,000 का, तो पर केजी कॉस्ट क्या थी? ये इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, तो 20,000 / 2500, तो पर केजी की कॉस्ट जो है वो 8.5 रुपए थी। अब ये खुद तो संक है, ये जो 8 रुपए है ये खुद संक कॉस्ट है, खुद इसने कहीं नहीं आना, लेकिन इसे डेटा कंपाइल हो सकता है। तो उसने कहा सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से लेकर अब तक। सिंस लास्ट मंथ का मतलब है पिछले महीने से लेकर अब तक प्राइस ऑफ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 2.5%। जो प्राइस है वो अब नई प्राइस 8 रुपए भी नहीं है। अगर वो कहता ना सिंस लास्ट मंथ प्राइसेस आर स्टेबल, तो मैं 8 रुपए ही ले लेता नई प्राइस भी। उसने कहा नहीं जी, नई प्राइस जो है वो 2.5% बढ़ चुकी है, तो अब मुझे 2.5% बढ़ाने के बाद करंट परचेज प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो मार्केट में जो करंट परचेज प्राइस है वो 8 रुपए per kg इंटू 2.5%, किसी चीज को बढ़ाना हो तो शॉर्टकट लगाए 1.025। एट पॉइंट टू रुपीज पर केजी। वजाहत बुखारी साहब ने कहा था 10.5 K, पता नहीं वो कैसे निकाला है। आपने 25% तो नहीं बढ़ा दिया? तो 8.2 rupees per kg आता है, मल्टीप्लाई करें तो जवाब आ जाएगा।
32,800 नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 बस मैं ये आखिरी करवा रहा हूं, बाकी फिर आपने घर से करनी है ये एग्जाम्पल्स। मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे आना चाहूंगा जो आईटीएफ के पेपर्स का है। चलो बेटा ये बताओ, करो शाबाश इसको। जो बच्चा कर ले वो आंसर बता दे। जो बचा कर ले वो आंसर बता दे, लेकिन अलहदा अलहदा। इस सवाल में भी दो मटेरियल है, एक्स और वाई। जी जनाब, मटेरियल एक्स का आंसर बच्चों ने बताया है। मेरे मुताबिक, मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मेरे मुताबिक ये होना चाहिए 5,000 kg परचेज करना है टोटल, 2.10 की आज तक प्राइस बढ़ के आज तक ये हो चुकी है, तो 10,500 आना चाहिए। मटेरियल वाई करें अब। चलो एक एक लाइन का सवाल है, दो दो लाइनों का, बस रीडिंग आपकी इंप्रूव करा रहे हैं, रीडिंग। जो बचा कर ले वो आंसर बता दे। चलें जी देखें, बच्चों ने जवाब बता दिया। वो कहता है हमारे पास 2,000 kg चाहिए, इन्वेंटरी में 1,500 kg पड़ा हुआ है जिसका कोई रेगुलर यूज नहीं है क्योंकि हमने गलती से परचेज कर लिया था। 1,500 kg का कोई रेगुलर यूज नहीं है,
1500 केजी की ओरिजिनल कॉस्ट है, इग्नोर करें, 1500 केजी की टोटल स्क्रैप वैल्यू है 1800 रुपए, तो हम 1500 केजी को जब स्टॉक में से यूज करेंगे तो हमें स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन करनी पड़ेगी। 1500 केजी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो टोटल 1800 है, ये पर केजी नहीं है, टोटल है, बाकी जो है वो आप परचेज कर लेंगे। मेरा ख्याल हम 500 केजी परचेज करेंगे 5 के हिसाब से, ले जी 4300 आ जाएगा, ये 2500 के 2500 रुपए का वो आ जाएगा, 1800 वो और 10500 वो, टोटल आ जाएगा 14800। चले अब आपका होमवर्क क्या है, जो जो एग्जाम्पल मैंने करवा दी, मैंने करवाई है 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6 छोड़ के बाकी सारी, ये एग्जाम्पल आपने घर से करनी है, 12 एग्जाम्पल तक है, ये मटेरियल की एग्जाम्पल आपका होमवर्क है। ये इधर जो आपको पहले, ये मैंने मिटा देता हूँ, जहां मैंने पहले लिखी है एग्जाम्पल, तो 12 एग्जाम्पल हैं ये, 12 में से 3-4 मैंने करा दी हैं, बाकी आपकी असाइनमेंट है, आपने घर से कल करके लानी है सारी। अच्छा, हमने जो अब पढ़ना है वो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ना है आज, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, उसके बाद हमारा आज का काम प्रैक्टिस है बस लॉन्ग क्वेश्चन की। तो हमने आज इस टॉपिक की बेसिक मुकम्मल करनी है और लॉन्ग क्वेश्चंस पे आना है, तो मैंने अब आपको पढ़ाना है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, तो उस पे आ जाए, यानी जो आज का नया काम है वो ये है, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, लेबर आपकी 3 तरह की होती है, किसी भी इदारे में जो लेबर या वर्कर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं जी, किसी भी इदारे में 3 तरह के वर्कर होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, सेल्स स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। हाँ जी, किसी भी इदारे में 3 तरह के वर्कर होते हैं, फैक्ट्री का स्टाफ, सेल्स स्टाफ और एडमिन स्टाफ। मेरा नहीं ख्याल किसी को ये पता ना हो, क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अब ये जो सेल स्टाफ होता है ना, इसको फिक्स सैलरी दी जाती है मंथ की, ठीक है, फिक्स सैलरी। और ये जो एडमिन स्टाफ है इसे भी फिक्स सैलरी दी जाती है, अच्छा, इनको अगर आपके स्पेशल ऑर्डर की वजह से अगर इन्हें कोई एडिशनल सैलरी देंगे तो वो रेलेवेंट होगी, इनकी करंट सैलरी या करंट पेमेंट रेलेवेंट नहीं है। तो सेल स्टाफ जो होता है इसकी जो करंट एनुअल या मंथली सैलरी है, करंट सैलरी, वो अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है और वो इररेलेवेंट कॉस्ट है। और अगर इन्हें कोई एडिशनल सैलरी, कोई एडिशनल कमीशन, कोई भी एडिशनल पेमेंट की जाए ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट,
या DO2 डिसीजन, चाहे वो कमीशन के नाम से है, चाहे बोनस के नाम से है, कोई भी एडिशनल पेमेंट की जाए वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। सेल्स स्टाफ को उसकी, ये इनको नॉर्मली फिक्स मंथली सैलरी दी जाती है, तो उसकी जो एनुअल या करंट मंथली सैलरी है वो इररिलेवेंट है। क्या ये बात समझ आ रही है सब बच्चों को? इसी तरह एडमिन स्टाफ में भी यही सेम रूल है, सेम रूल है एडमिन स्टाफ में भी, सेम यही रूल है। तो मैं रूल दोबारा लिखने की बजाय इधर ही कर देता हूँ। यही सेल स्टाफ हो या एडमिन स्टाफ हो, उसके लिए भी यही रूल सेम है। मसला आता है फैक्ट्री स्टाफ का ज्यादा, हाँ जी। फैक्ट्री स्टाफ का, अब जो फैक्ट्री स्टाफ होता है उसमें भी दो तरह का स्टाफ होता है। एक वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर, और एक होता है सुपरवाइजरी स्टाफ। फैक्ट्री में भी दो तरह का स्टाफ होता है, एक होता है प्रोडक्शन वर्कर और एक होते हैं सुपरवाइजरी स्टाफ। जी, प्रोडक्शन वर्कर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और सुपरवाइजर जो उनको मैनेज कर रहे हैं। ये जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है इसका भी वही असूल है, इनको भी फिक्स सैलरी दी जाती है। तो इनकी जो करंट सैलरी है, सेम रूल, करंट सैलरी वो फिक्स कॉस्ट होती है और इररिलेवेंट है। सुपरवाइजरी स्टाफ को कोई भी एडिशनल पेमेंट, यानी इन तीनों का रूल सेम है, सेल्स स्टाफ, एडमिन स्टाफ या फैक्ट्री का सुपरवाइजरी स्टाफ, करंट सैलरी इररिलेवेंट है क्योंकि वो देनी देनी है, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। किसी किस्म की कोई भी एडिशनल पेमेंट जो होगी वो रेलेवेंट कॉस्ट है। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो पूछ लें। मैंने ये नहीं पढ़ाना ज्यादा डिटेल से, ये मैंने बता दिया, हमने ज्यादा इसकी डिटेल पढ़नी है, हमने जो डिटेल पढ़नी है वो इनकी पढ़नी है, मेन प्रोडक्शन वर्कर्स की। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला मसाइल, जी बेटा, एनी प्रॉब्लम, क्या ये समझ आ गया आपको? मसला किन वर्कर का है? प्रोडक्शन वर्कर का, जिसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। मसला ज्यादातर है डायरेक्ट लेबर का, ये जो डायरेक्ट लेबर होती है जो प्रोडक्ट बनाती है उनका मसला ज्यादा है, बाकी तो कोई नहीं। मेरे नोट्स में ये नहीं लिखा हुआ सब कुछ, क्योंकि मैं हर दफा चेंज करता हूँ, हर दफा डिटेल से ज्यादा बता देता हूँ, कभी कम बता देता हूँ। तो ये मैंने दूसरी क्लास में भी जो बताया था उससे भी ज्यादा डिटेल से बताया आपको, जो मैंने पिछली दफा पढ़ाया था उससे भी ज्यादा डिटेल से पढ़ाया। चेंज करता रहता हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन असल में ये सेम होगा हमारा, और ज्यादा काम इसी में होता है। ये पॉइंट तो कभी कभी आएंगे, ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो सेल का स्टाफ हो, एडमिन स्टाफ हो या सुपरवाइजरी स्टाफ हो फैक्ट्री का, इन तीनों का रूल सेम हो गया। फैक्ट्री का सुपरवाइजरी स्टाफ हो, सेल स्टाफ हो या एडमिन स्टाफ हो, उनकी करंट सैलरी जो होती है, करंट एनुअल या मंथली सैलरी, वो अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है,
वो रेलेवेंट नहीं है। एडिशनल पेमेंट रेलेवेंट हो सकती है, कोई बोनस, कोई कमीशन, कोई ओवर टाइम की पेमेंट, कुछ भी, कोई भी एडिशनल पेमेंट आ जाए वो रेलेवेंट होगी, जिस मर्जी नाम से आ जाए। अब हमने आना है फैक्ट्री स्टाफ की तरफ। जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन वर्कर होते हैं या जो डायरेक्ट लेबर होती है उसका रूल देख लें, वो मैं नीचे अलहदा बनाने लगा हूं। तो वो जो प्रोडक्शन वर्कर हैं फैक्ट्री के, जिसको डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, हाँ जी, ये जो प्रोडक्शन वर्कर हैं या डायरेक्ट लेबर है, इनको जो वेजेस पे की जाती है उसके दो पैटर्न होते हैं। इनको जो वेजेस पेमेंट की जाती है उसके दो पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न होता है यूनिट्स बेस्ड वेजेस, दूसरा होता है टाइम बेस्ड वेजेस। इन दोनों में से कोई एक पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है जो फैक्ट्री के प्रोडक्शन वर्कर होते हैं बेटा, उनको दो पैटर्न में से किसी एक पैटर्न पे वेजेस दी जाएगी। अच्छा, यूनिट बेस्ड पैटर्न जब होगा तो वर्कर को कहा जाएगा कि तुम जितने यूनिट बनाओगे हर यूनिट पे तुम्हें 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए दे देंगे। इस तरह इसमें आपको क्वेश्चन में जो वेजेस रेट दिया होगा वो पर यूनिट दिया होगा, इधर वेजेस रेट पर यूनिट होता है रुपीज में, और इधर जो वेजेस रेट होता है वो पर यूनिट नहीं होता बल्कि पर आवर पे एक्सप्रेस होता है, 5 रुपए पर आवर, 8 रुपए पर आवर। ज्यादातर ये घंटों वाला तरीका चलता है। तो वर्कर को कहा जा सकता है कि तुम्हें दो तरह की पेमेंट दी जाएगी, आउटपुट के ऊपर बेस करके या टाइम के ऊपर बेस करके। आउटपुट के ऊपर बेस करके मतलब यूनिट के ऊपर, जितने यूनिट बनाओगे उतने ले जाना। तो यहां पे जितनी भी वेजेस आप स्पेशल ऑर्डर के लिए एडिशनल वेजेस पे करेंगे, एडिशनल वेजेस जितनी भी पे करेंगे वो रेलेवेंट होगी। वो कैसे आएगी? सिंपल सी बात है, वो आपको कहेगा 50 रुपए पर यूनिट है, तो आपने वेजेस कॉस्ट पर यूनिट ले लेनी है जो दी हुई है पुरानी वाली, और इनटू जो आपका स्पेशल ऑर्डर है उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने जो स्पेशल ऑर्डर या आपका डिसीजन है उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी ये रेलेवेंट कॉस्ट निकल आएगी। पुरानी प्रोडक्शन रेलेवेंट नहीं है, नए जो यूनिट ऑर्डर में बनाने उससे मल्टीप्लाई करें, जवाब आ जाएगा। ये कम आएगा, कभी कभार आ सकता है, लेकिन जब भी ये आएगा तो वेजेस कॉस्ट पर यूनिट दियो तो इनटू यूनिट्स कर देना आपने, जितने यूनिट्स आपके डिसीजन के हैं। ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, कोई भी डिसीजन हो सकता है। बिल्कुल ये वेरिएबल ओवरहेड की तरह जैसे निकालते ना वैसे ही निकाल रहे हैं, कि वेरिएबल ओवरहेड जैसे मर्जी दिए हो आपने मल्टीप्लाई कर देना उसको ऑर्डर की घंटों से या उससे। तो बिल्कुल अगर वेजेस रेट पर यूनिट पे है तो आपने इनटू यूनिट्स करना है, जो भी डिसीजन के यूनिट्स है, ये सारी अमाउंट रेलेवेंट कॉस्ट होगी, एडिशनल वेजेस कॉस्ट रेलेवेंट होगी। इसको एडिशनल लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं। मसला साइड इस साइड पे ज्यादा है। अगर टाइम बेस्ड वेजेस हो, अगर टाइम के ऊपर वेजेस हो कि 5 रुपए पर आवर, 8 रुपए, तो कंपनी फिर वर्कर से कहती है कि वीकली आपको इतने टाइम काम करना है, काम हो या ना हो हम आपको पैसे देंगे वीक के। उनके साथ गारंटी कर लेती है कंपनी, उनसे कमिटमेंट कर लेती है कि काम हुआ या ना हुआ तो हम आपको पेमेंट करेंगे, पर आवर रेट ये है, और घंटे भी कमिट कर लेती है। तो इस केस में फिर आपके पास सिचुएशन जरा ज्यादा है, इस केस में सिचुएशन आपके पास ज्यादा है। इसमें पहली सिचुएशन यह है कि वर्कर हैज स्पेयर कैपेसिटी,
वर्कर है स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी को आइडल आवर्स भी कहते हैं, स्पेयर आवर्स भी कहते हैं, वर्कर्स हैव स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब होता है कि वर्कर को 48 घंटों की पर वीक पेमेंट हो रही है या कंपनी ने कमिट किया है हम आपको हफ्ते में 48 घंटों की पेमेंट करेंगे, लेकिन काम वर्कर इस वक्त 40 घंटों के कर रहा है, 8 घंटों की पेमेंट कंपनी उसको कर रही है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो ये जो बाकी 8 घंटे हैं इनको स्पेयर टाइम कहते हैं। इन घंटों की पर आवर पे कंपनी दे रही है लेकिन काम कोई नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेयर कैपेसिटी। तो वर्कर के पास अगर स्पेयर कैपेसिटी हो तो इसमें आगे तीन सिचुएशन में से कोई एक आएगी। पहली वाली ज्यादा फेमस है, अगर वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी है तो स्पेयर कैपेसिटी के केस में, स्पेयर कैपेसिटी का मतलब समझ आ गया बच्चों? स्पेयर कैपेसिटी का क्या मतलब है कि कंपनी ने वर्कर से कमिटमेंट की होती है घंटों की कि हर हफ्ते आपको इतने घंटे का काम असाइन करेंगे, कम से कम, ज्यादा का भी हो सकता है ओवर टाइम के जरिए। तो कंपनी के वर्कर के पास फारिग टाइम है, काम ही नहीं है, आइडल आवर भी कहते हैं इसको। जी बिल्कुल, बेकार है टाइम, पैसे दे रही है कंपनी लेकिन काम नहीं है। तो अब इस केस में क्या है, अगर वर्कर के स्पेयर कैपेसिटी है तो कंपनी की पॉलिसी होती है कि कंपनी ने वर्कर से क्या कमिट किया है, क्या कंपनी ने वर्कर के साथ फुल रेट कमिट किया हुआ है पहले से ही, यानी वर्कर से कहा होता है जनाब अगर फारिग टाइम भी हुआ तो हम आपको पैसे पूरे देंगे, कोई पैसे नहीं काटेंगे। दूसरी सिचुएशन इसमें होती है पार्शियल रेट इज कमिटेड, पार्शियल रेट इज कमिटेड, ठीक है, फुल रेट इज कमिटेड या पार्शियल रेट इज कमिटेड। तो मैं अब नीचे एग्जांपल देता हूं फुल रेट की। फुल रेट इज कमिटेड इन स्पेयर कैपेसिटी, कंपनी ने वर्कर से कहा हुआ है जनाब अगर फारिग भी हुए ना आप 2, 4, 5, 6, 8 घंटों के लिए तो आपको पेमेंट उस फारिग टाइम की भी मिलेगी, आप परेशान ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी आपको काम दिलाना, ना हुआ तो पैसे ले लीजिएगा, काम हुआ तो भी पैसे मिलेंगे, ना हुआ तो भी पैसे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि कंपनी ने वर्कर के साथ कमिटमेंट की हुई है कि आपको 48 घंटे पर वीक काम देंगे और पेमेंट करेंगे और एक घंटे की पेमेंट 20 रुपए होगी। मिसाल के तौर पर कंपनी ने वर्कर से कमिटमेंट की हुई है कि आपको हर हफ्ते 48 घंटे की पेमेंट होगी और 20 रुपए पर आवर के रेट से होगी। फॉर एग्जांपल वर्कर जो काम कर रहा है प्रेजेंटली, हर वीक में वर्कर फॉर एग्जांपल 40 घंटे काम कर रहा है, उसके पास 8 घंटे की स्पेयर कैपेसिटी है हर हफ्ते में, वर्कर के पास 8 घंटे की स्पेयर कैपेसिटी है, ये मैंने आपको डाटा दिया है। अब मुझे ये बताएं कि स्पेशल ऑर्डर अगर ना हो तो कंपनी कितनी वेजेस पे कर रही होगी ऑलरेडी कमिटमेंट के मुताबिक, कंपनी कितनी वेजेस पे कर रही होगी अपनी कमिटमेंट के मुताबिक, 40 घंटों की भी बतानी है मुझे और ये जो स्पेयर 8 घंटे की भी बतानी है, कंपनी कितनी वेजेस पे कर रही होगी अपनी कमिटमेंट के मुताबिक। एक जवाब आया है, बाकी बच्चे भी बताओ कितनी वेजेस पे कर रही होगी, कंपनी कितनी वेजेस पे कर रही होगी। ले जी, ये जो 40 घंटे हैं इसके लिए वर्कर को 20 रुपए पर आवर देने हैं क्योंकि वो काम कर रहा है, तो ये 800 रुपया कंपनी पे कर रही होगी।
ठीक है। कंपनी ये 40 घंटों के तो पैसे देगी, मसला इस 8 घंटे का है। अब क्योंकि कंपनी ने कमिटमेंट की हुई थी 48 घंटे की, तो फारिग टाइम में भी कंपनी पूरे पैसे देगी, हालांकि वर्कर काम नहीं कर रहा, तो कंपनी की पॉकेट से कितने पैसे जा रहे होंगे हर वीक? कंपनी हर वीक कितनी वेजिस पे कर रही होगी वर्कर को? 960। मिसाल के तौर पर एक वीक है, इस वीक में एक वीक है जिसमें स्पेशल ऑर्डर आ जाता है 8 घंटे का, मिसाल के तौर पर। अगर इनमें से किसी एक वीक में स्पेशल ऑर्डर आ जाए 8 घंटों का, मिसाल के तौर पर, 8 घंटों से कम का नहीं ना ज्यादा का, मिसाल दे रहा हूँ, 8 घंटों का स्पेशल ऑर्डर आ जाए, तो आप मुझे बताएं कि किसी भी वीक में जो कंपनी की कमिटमेंट थी उसके मुताबिक कंपनी ने पैसे दे दिए 960, आप मुझे बताएं 8 घंटे की कितनी इजाफी पेमेंट कंपनी करेगी, एक्स्ट्रा कितना पे करेगी वर्कर को? कंपनी क्या वर्कर को एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी या उसे कहेगी जनाब आपको पहले पैसे दिए हुए हैं, आप फारिग थे, हर वीक आप फारिग हैं, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है 8 घंटों की। अगर किसी हफ्ते में 8 घंटे का काम निकला है तो क्या वर्कर एक्स्ट्रा पैसे लेने का हकदार है और कंपनी देने के लिए मजबूर है? तो जवाब आता है नो। इस केस में कंपनी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगी जनाब, क्योंकि कंपनी पहले ही पैसे पूरे दे रही है। एक्स्ट्रा पेमेंट तो तब होना जब वो बेचारा 48 घंटे पहले ही काम कर रहा है और हम उसे 48 के अलावा काम करा रहे हों, हम तो उन्हीं 48 घंटों में से उसको काम करा रहे हैं। पैसे वो 48 के ले रहा था, काम वो 40 कर रहा था। अगर किसी वीक में 8 घंटे का ऑर्डर निकल आए तो उसके पास किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट का राइट नहीं है, हम तो उसको पूरी वेजेस पहले ही दे रहे हैं। तो ये वो केस था कि वर्कर के पास फारिग टाइम है, पहला केस, स्पेयर कैपेसिटी है और स्पेयर कैपेसिटी में कंपनी उसको फुल वेजेस या फुल रेट कमिट के मुताबिक देती है। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो स्पेशल ऑर्डर की वजह से कंपनी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगी, नो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा पेमेंट। अब पार्शियल रेट वाली सिचुएशन, पार्शियल वाली का मतलब होता है कंपनी सारे पैसे नहीं देगी फारिग टाइम में, पार्शियल रेट कहते हैं थोड़ा रेट। यहां पर अब आपने खुद सोचना है क्या होगा। मैं एग्जांपल, इसी एग्जांपल को रिपीट करता हूं, मैं इसी एग्जांपल को रिपीट करता हूं लेकिन थोड़ी सी चेंजेस बताऊंगा। फुल रेट की जगह यहां पे करता हूं पार्शियल रेट, हाँ जी। कंपनी की कमिटमेंट है 48 आवर्स की, करंटली वो वर्किंग कर रहे हैं और ये है, हाँ फिक्रा लिखा होगा, आइडल टाइम, ये फिक्रा लिखा होगा सवाल में, आइडल टाइम इज पेड एट 70% ऑफ नॉर्मल रेट, ये एक फिक्रा एक्स्ट्रा लिखा होगा, आइडल टाइम इज पेड, आइडल टाइम या स्पेयर कैपेसिटी इज पेड एट, आइडल टाइम इज पेड एट 70% ऑफ नॉर्मल रेट। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस लाइन का मतलब ये है कि कंपनी ने पॉलिसी अनाउंस कर दी है कि बेटा अगर आप काम कर रहे होंगे तो पूरे पैसे ले ले, और अगर फारिग टाइम हुआ ना आपका कोई भी, तो हम आपको पूरे पैसे नहीं देंगे, आपको नॉर्मल 20 रुपए वाले रेट का 70% देंगे। यानी कंपनी 14 रुपए दे रही है फारिग टाइम में, 14 रुपए दे रही है, 70% दे रही है।
ये कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप फारिग हुए, काम ना हुआ, फारिग टाइम में 70% देंगे, और अगर काम आ गया तो रिमेनिंग 30% भी देगी कंपनी। इसका मतलब ये होता है, काम ना हुआ तो 70% ले लें, अगर काम हुआ तो 70% तो देना ही देना था हमने, रिमेनिंग 30 भी देंगे आपको। इसका ये मतलब होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप मुझे बताएं कंपनी ऑलरेडी अपनी कमिटमेंट के मुताबिक कितनी वेजेस दे रही होगी? ये 40 घंटों के तो 20 रुपए दे रही होगी, कमिटमेंट थी कंपनी की, और इसके मुताबिक कंपनी कितने दे रही होगी? 20 रुपए पर आवर पूरा रेट नहीं देगी कंपनी कमिटमेंट के मुताबिक। अगर वो फारिग था हर हफ्ते तो फारिग टाइम के 70% देगी कंपनी, यानी ये पैसे हर हफ्ते कंपनी की पॉकेट से जा रहे हैं, हर हफ्ते कंपनी की पॉकेट से जा रहे हैं ये पैसे 70%, और वर्कर फारिग है, काम करने वाले घंटों के पूरे पैसे फारिग टाइम के 70% कंपनी दे रही है, कमिटमेंट है कंपनी की, दे दिए हैं, अनअवॉइडेबल है। अच्छा, एक हफ्ता ऐसा है जिसमें स्पेशल ऑर्डर आ जाता है 8 घंटे का। अब आप मुझे बताएं कि 8 घंटे में कंपनी क्या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी या नहीं करेगी? अगर एक हफ्ता ऐसा था जिसमें काम आ गया है, अब कंपनी कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी? क्योंकि फारिग टाइम में 70 तो देना ही देना था, वो 70 तो कंपनी ने दे दिया अपनी कमिटमेंट के मुताबिक, और वर्कर फारिग था। नाउ कंपनी कितने पैसे देगी अगर 8 घंटे का स्पेशल ऑर्डर आ जाए? तो कंपनी वर्कर से कहेगी, जनाब हमने आपको 8 घंटे के 20 रुपए के हिसाब से 70% तो पहले ही दिए हुए हैं, अब आपका रिमेनिंग 30% लेने का भी हक बन गया क्योंकि इस हफ्ते में आपने वो काम किया है, तो रिमेनिंग 30% रेलिवेंट होगा, रिमेनिंग 30%। मेरा ख्याल है 48 रुपए की कॉस्ट अब रेलिवेंट होगी, 48 की कॉस्ट रेलिवेंट होगी ना। अगर ऑर्डर ना आए तो कंपनी ये पैसे नहीं देगी, अगर ऑर्डर आ जाए तो कंपनी ये रिमेनिंग पैसे भी पूरे करेगी, क्योंकि कंपनी ने 70% तो देने ही देने हैं, फारिग रहे तब भी देने, काम करे तो रिमेनिंग 30% भी दे देने, यानी रेट पूरा 100% करना है, 70 फारिग टाइम में 30% काम करने की वजह से। तो कंपनी ने पूरे पैसे ही एक किस्म के दे दिए, लेकिन ऑर्डर आएगा तो देगी, नहीं आएगा तो नहीं देगी। इस केस में फिर आप कहेंगे जी कंपनी की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? अगर कंपनी ने पार्शियल रेट के तहत पैसे दे दिए हों तो जितना रिमेनिंग रेट होगा, रिमेनिंग रेट रेलिवेंट होगा। अगर कंपनी 70% देती है फारिग टाइम में तो रेलिवेंट विल बी 30%, अगर कंपनी फारिग टाइम में 60% देती है, 60% फारिग टाइम में देती है तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितने परसेंट रेलिवेंट होगा? अगर फारिग टाइम में कंपनी 60% देती है 40%, अगर कंपनी फारिग टाइम में 80% ऑफ द नॉर्मल रेट देती है, ये फिक्रा लिखा होगा, 80% ऑफ द नॉर्मल रेट देती है, तो आपने रेलेवेंट कॉस्ट 80% नहीं लेनी, रिमेनिंग 20% लेनी है ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर। उम्मीद है आपको ये बात इंक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल ही है किस्म का, ये जो आप पे कर रहे हैं ना ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 48 रुपए ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर। ये बात हम किन वर्कर की कर रहे हैं? फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन करते हैं वर्कर। आगे तीसरी इसमें क्या है, स्पेयर कैपेसिटी में तीसरी बात क्या है, ये रूल पढ़ के फिर हम ब्रेक दे देंगे आपको, फिर आप यानी लेबर के, फिर आप आके 15 मिनट बाद प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, स्पेयर कैपेसिटी का आखिरी क्या है कि कंपनी ने वर्कर से फुल रेट कमिट किया हुआ है, कंपनी ने वर्कर से कहा है जनाब आपका फारिग टाइम हुआ तो पैसे तो पूरे मिलेंगे, लेकिन हम आपको कहीं भी किसी और वर्कर की जगह यूज कर सकते हैं, हम आपको किसी और वर्कर की जगह काम करा सकते हैं, जो वर्कर हमें शॉर्ट हुआ आपको फारिग नहीं बैठने देना, हमने आपका अपना काम नहीं है कोई मसला नहीं, हम आपको किसी और वर्कर की जगह काम करने को कह सकते हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप सेमी स्किल्ड का काम कर सकते हैं, आप अनस्किल्ड का काम कर सकते हैं, हमारी मर्जी, आप जिस, हम आपसे जिसका मर्जी काम कराएं।
तो कंपनी वर्कर को पूरे पैसे दे रही है, लेकिन उसके साथ ये भी कहती है कि आपको कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब इसके स्पेशल ऑर्डर पे भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा ना आया स्पेशल ऑर्डर तो कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में वर्कर यूज हो सकता है। बताएं जी, बात समझ आ रही है आपको? वर्कर को पैसे दिए हैं तो वर्कर मार रही है ना, हमसे कहते हैं भाई हमारी मर्जी, आपके डिपार्टमेंट में काम नहीं है तो कहीं और करा लेते हैं आपसे काम, काम लेना है हमारा काम। इस केस में क्या होगा सिचुएशन? कंपनी के पास स्किल्ड लेबर है, कंपनी उसको 48 घंटों की कमिटमेंट की हुई है पूरे पैसों की, और प्रेजेंटली वर्कर काम कर रहे हैं 40 घंटे और उनके पास स्पेयर टाइम है 8 घंटे का। कंपनी उन्हें कहती है कि आपने ये जो 8 घंटे हैं ये जाकर सेमी स्किल की जगह काम करना है, पैसे आपको पूरे मिलेंगे लेकिन आपने काम किसकी जगह करना है? सेमी स्किल लेबर की, क्योंकि हमें हमारे दायरे में सेमी स्किल की शॉर्टेज है। आपने किसकी जगह जाके काम करना है? इन प्लेस ऑफ। कंपनी वर्कर से कहती है कि आपको पूरे पैसे मिल गए हैं, 960 रुपए पूरे मिल रहे हैं पर वीक, आप 8 घंटे के लिए फारिग है तो हर हफ्ते आपने 8 घंटे के लिए जाना है और सेमी स्किल का काम करना है, और उस वक्त तक करना है जब तक आपका अपना कोई काम ना निकला है। बताएं जी, यहां तक समझ आई है? कौन से वर्कर फारिग है? कौन से वर्कर फारिग है और कौन से वर्कर की शॉर्टेज है? शॉर्टेज कौन से वर्कर की है? स्किल्ड वर्कर फारिग हैं और सेमी स्किल्ड की शॉर्टेज है, और स्किल्ड वर्कर सेमी स्किल्ड वाला काम कर सकते हैं, पेमेंट उनको पहले पूरी दे रहे हैं हम स्किल को। इनके यहां जाने से इदारे को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़नी, स्किल लेबर के सेमी स्किल की जगह काम करने से इदारे को स्किल लेबर की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़नी क्योंकि पैसे पूरे दिए हुए हैं। ये कब तक जाते रहेंगे? हर वीक जाते रहेंगे जब तक इनका अपना कोई स्पेशल ऑर्डर या काम ना निकल आए। अब वो आपसे सवाल में ये कहेगा कि जनाब स्पेशल ऑर्डर आ गया, इनका अपना काम निकल आया, 8 घंटे का स्पेशल ऑर्डर मिसाल के तौर पर आ गया एक हफ्ते में। अब मैनेजमेंट उन्हें कहेगी कि जनाब इस वीक आपने अपना काम करना है, 8 घंटे के लिए आपने अपना स्पेशल ऑर्डर पे काम करना है, आपने उधर नहीं जाना, आपने उधर नहीं जाना। यानी कंपनी स्किल्ड लेबर से कहती है कि आपने सेमी स्किल्ड की जगह पे नहीं जाना, 8 घंटे का आपने इस वीक में अपने ऑर्डर पे काम करना है। तो ये स्किल्ड लेबर पूछेगा तो उधर का क्या बनेगा? मैनेजमेंट कहती है हम उधर नया बंदा बाजार से रख लेंगे, हम नया बंदा मार्केट से सेमी स्किल्ड का हायर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, एक हफ्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हम हायरिंग कर लेंगे, हम हायरिंग कर लेंगे 8 रुपए पर आवर पे मार्केट से। तो आप उन्हें कहते हैं कि पहले हायरिंग कर लेते आप, वो कहते हैं जनाब आप फारिग थे, जब तक आप फारिग थे हायरिंग बनती नहीं थी, अब आपका अपना काम निकल आया तो अब हमारे लिए हायरिंग करना मजबूरी है, तो इस ऑर्डर के आने की वजह से इदारे को हायरिंग करनी पड़ी। अब मुझे बताएं रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? स्किल्ड लेबर को कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे हम? स्किल्ड लेबर को स्पेशल ऑर्डर पे काम करने से कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट होगी? स्किल्ड लेबर को एक्स्ट्रा काम कर स्पेशल ऑर्डर पे काम करने की कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगी, लेकिन स्किल्ड लेबर के स्पेशल ऑर्डर पर आने से इधर फटा पड़ गया है,
नए बंदे कहीं और रखने पड़ रहे हैं, स्पेशल ऑर्डर के लिए नहीं रखने पड़े, कहीं और नए बंदे रखने पड़ रहे हैं। अब आपकी रेलेवेंट कॉस्ट पता है क्या होगी? कोई बच्चा मुझे बता सके कितनी रेलेवेंट कॉस्ट होगी? स्किल्ड लेबर जब स्पेशल ऑर्डर पे काम करेगी, 8 घंटे के लिए काम करेगी, तो इदारे में यहाँ पर 8 घंटे के लिए नए बंदे आएंगे। नया रेट फॉर एग्जांपल ये 8 नहीं है, नया रेट 6 रुपए पर आवर है। मिसाल के तौर पर जो नए बंदे आ रहे हैं, सेमी स्किल्ड का रेट 6 रुपए पर आवर है। तो इसका मतलब है अब इस केस में क्या होगा? सिचुएशन क्लियर हो गई है? हमारे वर्कर फारिग टाइम में बैठे हैं, कंपनी उन्हें जहां यूज करना चाह रही थी, जहां यूज करना चाह रही थी, कंपनी स्पेशल ऑर्डर पे की वजह से वहां यूज नहीं कर पाई, और आपको नए बंदे हायर करने पड़े। इस केस में हायरिंग कॉस्ट ऑफ अदर वर्कर रेलेवेंट होगी, हायरिंग कॉस्ट ऑफ न्यू वर्कर्स। इस केस में हायरिंग कॉस्ट ऑफ न्यू वर्कर यानी स्पेशल ऑर्डर में जब 8 घंटे स्किल लेबर काम करेगी, तो उसकी वजह से कहीं और नए बंदे हायर होंगे 6 रुपए के रेट पर, तो कंपनी को स्पेशल ऑर्डर की वजह से, पूरे स्पेशल ऑर्डर की वजह से 48 रुपए की इंक्रीमेंटल कॉस्ट पड़ेगी। ऑर्डर में नहीं पड़ रही, ऑर्डर की वजह से कहीं और पड़ रही है, लेकिन लेनी ऑर्डर में है। ऑर्डर की वजह से कहीं पे भी कोई कॉस्ट आ रही हो पूरे बिजनेस में, वो ले सकते हैं। 8 घंटे जब स्किल्ड लेबर स्पेशल ऑर्डर पे काम करेगी, तो उसकी वजह से इनको तो पैसे कोई नहीं देंगे, लेकिन 8 घंटे के लिए सेमी स्किल्ड हायर होंगे, तो हायरिंग कॉस्ट विल बी रेलेवेंट, ये 48 रुपए रेलेवेंट होंगे। बात समझ आ गई है? नहीं समझ आई? अच्छा, अगर हमारे वर्कर के पास स्पेयर टाइम ना हो, हमारे वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी ना हो, वो कहते हैं सर ये अवॉइडेबल कॉस्ट हुई। नहीं, अवॉइडेबल कॉस्ट कहां से हुई? पहले अवॉइडेबल थी, जब तक हमारी स्किल्ड लेबर वहां जा रही थी तब तक ये पैसे बच रहे थे। इस सेंस से भी समझ सकते हैं, जब हमारा स्पेशल ऑर्डर आया तो वो बचने वाले पैसे जाया चले गए, नहीं बचेंगे अब इस एंगल से, अभी नहीं बच रहे, बचने थे उमेर साहब, बचने थे। अगर हम स्किल्ड लेबर को उधर ले जाते सेमी स्किल्ड की जगह पे, स्पेशल ऑर्डर की वजह से वो पैसे बचे नहीं और हमें नई हायरिंग करनी पड़ गई। आखिरी बात, आखिरी, अगर आपकी कंपनी में फैक्ट्री के जो डायरेक्ट लेबर हैं उनके पास स्पेयर कैपेसिटी ना हो, मतलब 48 घंटे की कमिटमेंट है और वो काम भी 48 घंटे ही कर रहे हैं, फुली एम्प्लॉयड भी कहते हैं इसको, फुली एम्प्लॉयड भी कहते हैं, अगर हमारे वर्कर के पास फारिग टाइम नहीं है, वो फुली इंगेज्ड है, फुली एम्प्लॉयड है, 48 घंटे की कमिटमेंट है और काम भी वो 48 घंटे ही कर रहा है, नो आइडल टाइम, नो स्पेयर टाइम, उस केस में आपने फिर, आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं कंपनी के पास। कंपनी इन 3ों में से देखती है हमें कम खर्चा कहाँ पड़ रहा है। कंपनी को 3 ऑप्शन है जहाँ खर्चा पड़ सकता है, तो कंपनी देखती है कम से कम खर्चे वाली ऑप्शन पे जाए। अगर वर्कर के पास फारिग टाइम नहीं है तो कंपनी इन 3 ऑप्शन में से लोअर ऑफ पे जाती है। पहली ऑप्शन क्या है? कंपनी कहती है क्यों ना पुराने वर्कर से ओवर टाइम काम करा ले, उनको ओवर टाइम की पेमेंट करके काम करा ले। अगर ओवर टाइम नहीं पेमेंट करनी तो नए वर्कर को हायर कर ले, इनको दफा मारे, इनको ओवर टाइम नखरे करते हैं, कोई मसला नहीं, नए वर्कर सस्ते मिल रहे हैं वो ले लो, ओवर टाइम महंगा पड़ रहा है। कंपनी के पास 3 ऑप्शन होती हैं, ओवर टाइम की पेमेंट, ओवर टाइम काम करा लो, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक तो वो नॉर्मल टाइम काम करते हैं, शाम को रोजाना 4 से 6 बजे के दरमियान काम करा लो ओवर टाइम, पैसे थोड़े ज्यादा दे देना, ओवर टाइम का रेट हमेशा ज्यादा होता है, आप सबको पता होगा। तीसरा ये है कि उनको किसी और काम से ट्रांसफर कर लो,
किसी रेगुलर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ट्रांसफर कर लो, इसको डाइवर्जन कहते हैं, डाइवर्ट कर लो, डाइवर्जन। हमारे पास तीन ऑप्शन है, अगर वर्कर के पास फारिग टाइम ना हो तो उसको ओवर टाइम पेमेंट दे दो, या उसको पुराने काम से हटा लो, या उसको मारो, दफा करो, नया बंदा रख लो स्पेशल ऑर्डर के लिए। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? स्पेशल ऑर्डर के लिए। तीनों में से जो कॉस्ट कम पड़ेगी वो लोअर लेनी है, वो लेनी है आपने ऑप्शन। ओवर टाइम के केस में कंपनी को जो कॉस्ट पड़ती है, ओवर टाइम का रेट कभी भी नॉर्मल रेट जितना नहीं होता, उसमें कंपनी नॉर्मल बेसिक रेट भी देती है, बल्कि यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया अभी, अगर कंपनी वर्कर से ओवर टाइम काम कराए तो ओवर टाइम की कॉस्ट रेलेवेंट है, ओवर टाइम की पे रेलेवेंट है। अब ओवर टाइम की पे कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है, हायरिंग कॉस्ट रेलेवेंट है, इधर वो दी होगी, इधर डाइवर्जन कॉस्ट रेलेवेंट है। ये दोनों निकालने का तरीका एक ही है। ओवर टाइम की पेमेंट कैसे निकालते हैं, शाम को जब वो 8 से 4 के बाद काम कर रहा है तो शाम के टाइम पे उसको बेसिक रेट भी देंगे पर आवर, प्लस शाम को ओवर टाइम प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं, उसको प्रीमियम कहते हैं। तो बेसिक रेट 20 रुपए है, प्रीमियम 6 रुपए देना है, तो ओवर टाइम का रेट 26 रुपए रेलेवेंट है। बेसिक रेट, बेटा बात समझ आ रही है? अगर आपने किसी वर्कर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक काम करवाया है और शाम 4 बजे के बाद भी उसे कहते हैं कि स्पेशल ऑर्डर करो, तो वो नाराज हो जाएगा। हम इसीलिए उसको मोटिवेट रखने के लिए कहते हैं कि शाम का रेट ज्यादा होगा, ओवर टाइम का रेट पर आवर ज्यादा होगा, आपको बेसिक रेट के बराबर प्लस एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। हायरिंग कॉस्ट दी हुई है। डाइवर्जन कॉस्ट क्या होती है, कि आप वर्कर से कहते हैं कि अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे से काम छोड़ दो, वो कहते हैं सर बेसिक रेलेवेंट क्यों लेंगे, बेसिक तो संक नहीं होगी, कैसे संक होगी, आप मुझे मिसाल दें भाईजान, बेसिक कैसे संक होगी। वो कहते हैं ऑलरेडी पेड है। नहीं, कहाँ ऑलरेडी पेड है भाईजान, किसने कहा है आपको, आप गलत सोच रहे हैं। ओवर टाइम सुबह 8 से शाम 4 बजे के दरमियान नहीं होता, 8 से 4 के दरमियान जो बेसिक पे दी है वो रेलेवेंट नहीं है, शाम 4 से 6 पे होना है ओवर टाइम, वो तो बेचारा ओवर टाइम करता ही नहीं आम रूटीन में, ओवर टाइम हर रोज थोड़ी हो रहा होता है, स्पेशल ऑर्डर जब आएगा तब करवा लेंगे। 4 से 6 वाले की बात हो रही है, रेलेवेंट कॉस्टिंग इसकी हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। तो शाम 4 से 6 तो पहले पैसे देते नहीं थे, वो तो सुबह हम देते थे, अब शाम को क्या करेंगे, जब 26 रुपए पर आवर देंगे तो इसमें 20 रुपए सुबह के बराबर रेट है, 6 रुपए प्रीमियम है, 26 रुपए ये सारे एक्स्ट्रा है जो आप दे रहे हैं, 26 अगर आप दे रहे हैं तो सुबह 20 रुपए का रेट जो होता था वो बेसिक है, 6 रुपए प्रीमियम है, 26 इज द रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि आपकी जेब से शाम को 26 रुपए पर आवर जाएंगे, सुबह वाले 20 रुपए पर आवर रेलेवेंट नहीं है। की कहते हो पायन, आप जो सोच रहे हैं आप समझ रहे हैं ओवर टाइम सुबह 8 से 4 के दरमियान ही होगा, और नहीं, अगर ओवर टाइम सुबह हो सकता तो उसको ओवर टाइम ना कहते, सुबह 8 से शाम 4 बजे या 9 से 5 का टाइम नॉर्मल टाइम होता है, रेगुलर टाइम है या नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल वर्किंग टाइम, ओवर टाइम हमेशा इसके अलावा टाइम होगा, या वीकेंड पे बुलाएंगे संडे आओ जैसे हम कर रहे हैं ओवर टाइम। अच्छा, इसके बाद डाइवर्जन में भी ऐसे ही होता है कि आप वर्कर से किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हटाते हैं उसको, और उसे कहते हैं तुम्हारी पे वहां पे नहीं मिलेगी, तुम्हें वो प्रोडक्ट बनाना छोड़ो, नए स्पेशल ऑर्डर पे आके काम करो, तुम्हें वहां पे बेसिक रेट देंगे जो कि थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है नॉर्मल रेट से,
स्पेशल ऑर्डर पे तुम्हें रेट बेसिक देंगे, प्लस तुमने जो काम छोड़ा है वहां से जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था वो जाया जाने दो, हमें कोई टेंशन नहीं। जिस प्रोडक्ट से हटा कर लाएंगे उस रेगुलर प्रोडक्ट का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन होगा, क्योंकि रेगुलर प्रोडक्ट हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। एक तो जिस प्रोडक्ट से हटा के ला रहे हैं वहां नुकसान हो रहा है, दूसरा इधर आके पेमेंट भी करनी है, मुफ्त काम नहीं कराना उससे। प्लेइंग म्यूजिक जी बेटा, बात समझ आ रही है? तीनों में से लोअर ऑफ लेंगे। अच्छा जी, अब ब्रेक है, 15 मिनट बाद आते हैं, ठीक है, 15 मिनट बाद आते हैं। हाँ जी, नॉइस तो है, बिजनेसमैन आ रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे घर के पास, आलू वाले भी आ रहे हैं, खिलौने वाले भी आ रहे हैं, कुरान पाक वाले भी आ रहे हैं, तो एक कंजेस्टेड सोसाइटी इलाके में मैं रहता हूँ भजन, तो वहां ये सारी वराइटियां पाई जाती हैं। रद्दी वाले भी आ रहे हैं, कंप्यूटर वाले भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, डोर स्टेप पे सर्विस दे रहे हैं। टेंशन ना ले, अभी तो लड्डू पीठी वाले ने आना है कुल्फी वाले ने आना है, कुल्फी हैं, हम भी पाकिस्तान से। हाँ ऐसे ही है हमारे, वो कई बच्चे कहते हैं सर इतना शोर, और भाई कोई मसला नहीं, हर लोकेलिटी हर इलाके की अपनी कुछ खूबियां होती हैं। सर संक कॉस्ट हमेशा ऑलरेडी पेड होती है या पेबल होती है? हाँ, वाबडा टाउन बड़ा पुरसकून होता था, 2001 में मैं वहां जाता था पढ़ने पढ़ाने, तो उधर गाड़ी नहीं, 8-9 बजे के बाद तो कोई जाती नहीं थी कन्वेंस, वाबडा टाउन की अपनी गाड़ियां थी, या जिन लोगों की अपनी वो कन्वेंस है वो आते जाते थे बाइक शाइक पे गाड़ी पे। वाबडा टाउन तो बहुत, वाकई बहुत ज्यादा ऐसे ही था, वाबडा टाउन वाकई बहुत साफ सुथरा था। चलो आगे चलते हैं, बस आप ब्रेक ले ले, 15 मिनट बाद आते हैं, फिर आके आपके सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है? 11:30 पे आना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमने लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट कंप्लीट कर ली है, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। जी, तो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड ये एक एग्जांपल है जो हमने करनी है। किसी किस्म का कोई सवाल आपने पूछना हो एग्जांपल करवाने से पहले, मैं ये एक एग्जांपल करवाऊंगा, बाकी एग्जांपल आपका होमवर्क है इसकी लेबर की। एग्जांपल नंबर 13 से शुरू हो रहा है, लेबर की एग्जांपल 13 से शुरू होकर 22 तक जाता है, एग्जांपल 13 से एग्जांपल 22, तो हम ये एग्जांपल 17 कर रहे हैं, बाकी आपका होमवर्क है। तो आज आपका होमवर्क थोड़ा ज्यादा होगा, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट की एग्जांपल, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट की एग्जांपल, ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट की एक आधी एग्जांपल आपको दी है, वो एक ही है या दो है जितनी भी है, ठीक है बेटा? उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, ये एग्जांपल करते हैं हम, और आपका कोई भी सवाल हुआ तो आप पूछ सकते हैं। कहता है व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लेबर इन 3 डिपार्टमेंट्स। लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे 3 मटेरियल होते हैं, हर मटेरियल की सेपरेट रेलेवेंट कॉस्ट निकालते हैं,
तो इसी तरह लेबर की भी सेपरेट रेलेवेंट कॉस्ट निकलेगी. अ कंपनी इज कंसिडरिंग द प्राइस टू चार्ज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल रिक्वायर लेबर टाइम इन द फॉलोइंग थ्री डिपार्टमेंट्स. जी, डिपार्टमेंट वन में कहता है द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर 200 आवर्स ऑफ वर्क. ले जी, सबसे पहली चीज सवाल में यही देखना होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने घंटे चाहिए. तो वो कहता है डिपार्टमेंट वन में 200 घंटे रिक्वायर्ड है और वर्कफोर्स को नॉर्मली जो पे किया जाता है वो 10 रुपए पर आवर का रेट है. तो ये नॉर्मल वेजेस रेट है या बेसिक रेट है. लेबर के पास करंटली स्पेयर कैपेसिटी है 500 घंटों की. जी, लेबर के पास 500 घंटे की स्पेयर कैपेसिटी है तो इसका मतलब है 200 घंटे काम करवाना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. सफिशिएंट कैपेसिटी है, हमें इसमें से 200 घंटे चाहिए और लेबर को 80% ऑफ नॉर्मल रेट दिया जाता है स्पेयर टाइम में. कंपनी ऑलरेडी 80% दे चुकी हुई है स्पेयर टाइम में. तो जब आप इस 500 घंटे में से 200 घंटे यूज करेंगे तो 10 रुपए का जो रेट है उसमें से 80% कंपनी ऑलरेडी दे चुकी हुई है. हमें कितना देना पड़ेगा? जी जनाब बताएं, हमें कितनी रेलेवेंट कॉस्ट पड़ेगी? ये पार्शियल रेट वाला रूल है. तो डिपार्टमेंट वन की हमने लेबर कॉस्ट निकालनी है. हमें 500 घंटों में से 200 घंटे रिक्वायर्ड हैं. एक घंटे का रेट 10 रुपए पर आवर है. फारिग टाइम होने की वजह से कंपनी 80% पहले ही दे चुकी है तो रिमेनिंग 20% विल बी रेलेवेंट कॉस्ट. रिमेनिंग 20% रेलेवेंट कॉस्ट होगा. तो ये पार्शियल रेट वाला रूल आ गया. 400 रुपए रेलेवेंट कॉस्ट होगी शायद आपकी. ठीक है, बात समझ आ गई है. ये 10 रुपए का 80% क्यों नहीं किया? 80% ऑलरेडी पे हो चुका हुआ है, वो कमिटेड है या संक है. हमें रिमेनिंग 20% चाहिए जो इंक्रीमेंटल है. यानी वर्कर फारिग हो तो भी 80% लेगा, काम कर रहा हो तो भी 80% लेगा. चेंज जो आ रहा है वो रिमेनिंग 20% का है. काम ना हो तो 20% कंपनी नहीं देगी, अगर काम हुआ स्पेशल ऑर्डर आ गया तो वो 20% दे देगी. इसके बाद डिपार्टमेंट टू की लेबर कॉस्ट, वो आपसे कहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए 100 आवर्स चाहिए. तो 100 घंटे चाहिए डिपार्टमेंट टू में. वर्क फोर्स इज पेड 12 रुपीज पर आवर. तो ये आपका नॉर्मल बेसिक पे का रेट है. वर्कर को इस डिपार्टमेंट में 12 रुपए पर आवर दिया जाता है वेजेस रेट. इन दिस डिपार्टमेंट लेबर इज करंटली वर्किंग एट फुल कैपेसिटी. लेबर फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है. अब जब लेबर फुल कैपेसिटी पे काम करती है तो हमने कहा था हमारे पास 3 सिचुएशन आ सकती हैं मैक्सिमम. जरूरी नहीं है तीनों एक सवाल में हो. डेटा बताएगा आपको तीनों में से कौन सी सिचुएशन है. तो वो कहता है कंपनी कुड आस्क द वर्क फोर्स टू डू ओवर टाइम वर्क. कंपनी वर्क फोर्स को ओवर टाइम का कह सकती है और ओवर टाइम में जो नॉर्मल रेट पर आवर है वो भी देना है प्लस 50% ओवर टाइम प्रीमियम देना है. तो पहली ऑप्शन ये है कि कंपनी वर्कर को ओवर टाइम पे कर सकती है 12 रुपए का पर आवर नॉर्मल रेट है, 50% एक्स्ट्रा देना है या 12 × 1.50 भी कर सकते हैं × 100 घंटे. तो ओवर टाइम की कॉस्ट 1800 रुपए है. 18 रुपए, अच्छा सॉरी 18 रुपए, सॉरी 1800 बनती है. ऑल्टरनेटिवली का मतलब होता है और ये ना किया जाए तो दूसरा काम क्या हो सकता है. द वर्क फोर्स कुड बी डाइवर्टेड. डाइवर्टेड कहते हैं ट्रांसफर करने को. वो कहता है लेबर को किसी और काम से ट्रांसफर किया जा सकता है जहां लेबर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाती है पर आवर
4 रुपए पर आवर का कंट्रीब्यूशन कमाती है। तो जब आप लेबर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो 4 रुपए पर आवर का कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन होगा, 4 रुपए पर आवर का कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन होगा और वहां की वेजेस सेव हो जाएगी, यहां आके देनी पड़ेगी। जब आप कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन ले लेते हैं ना तो उस प्रोडक्ट की वेजेस सेव हो जाती है, इसीलिए यहाँ आके 12 दोबारा लेना है कि कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन में उसको बनाने की जितनी वेजेस देता था इधर वो सेव हो गई, सेविंग आ गई, प्रॉफिट नहीं रही तो वेजेस सेव कर दी ना हमने इसमें। तो 12 जमा 4 16 रुपए पर आवर है ये, और 100 घंटे तो एक कॉस्ट 1600 है, दूसरी 1800 है, 1600 या 1800। तो हमने लोअर ऑफ पे जाना है, तो डिपार्टमेंट 2 में, डिपार्टमेंट 2 में ओवर टाइम की कॉस्ट और ट्रांसफर करने की डाइवर्जन की कॉस्ट और लोअर ऑफ चलना है, दोनों में से लोअर ऑफ रेलेवेंट होगा, यानी प्रेजेंटेशन आपने इस तरह करनी है। सौ घंटे 1800 घंटे और इधर 12 जमा 4 रुपए पर आवर, 16 रुपए पर आवर इंटू 100 घंटे, 1600, दोनों में से जो लोअर ऑफ है वो बाहर जाएगा। ले जी, डिपार्टमेंट 3 में वो क्या कहता है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, डिपार्टमेंट 3 में गलती होती है, कहता है द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर 300 आवर्स, लेबर के 300 घंटे चाहिए, वेयर बाय वर्क फोर्स इज पेड 20 रुपीज पर आवर, ये लेबर का नॉर्मल बेसिक रेट है, डिपार्टमेंट 3 में जो बेसिक रेट या नॉर्मल रेट दिया जाता है वो 20 रुपए है, लेबर इन दिस डिपार्टमेंट इज इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर के पास टाइम नहीं है, ऑल द लेबर इज करंटली वर्किंग प्रोडक्ट जी, इस वक्त लेबर जो है वो प्रोडक्ट जी पे काम कर रही है। अब ये आपको किसी प्रोडक्ट का डाटा दिया है तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आप लेबर को प्रोडक्ट जी से डाइवर्ट करके अपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे ला सकते हैं, इसीलिए आपको प्रोडक्ट जी का डाटा दिया हुआ है, इसमें डाइवर्ट के अलावा कोई और ऑप्शन का डाटा ही नहीं है। अब जिस प्रोडक्ट जी पे काम हो रहा है 90 रुपए की सेल है, मटेरियल है, लेबर कॉस्ट है 2 घंटे की 20 रुपए के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड है, कंट्रीब्यूशन 20 रुपए, ये पर यूनिट है, हमें पर आवर चाहिए, ये जो 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन है ये पर यूनिट है, मुझे पर यूनिट नहीं चाहिए, मुझे पर आवर चाहिए। मसला क्या है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और मैंने जो रूल आपको बताया है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए नहीं था, 1 घंटा वर्कर के आने से कितना कंट्रीब्यूशन पर आवर फॉरगॉन होगा, पर आवर चाहिए आपको, कंट्रीब्यूशन पर आवर चाहिए, यहीं बच्चे गलती करते हैं। अब अगर 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट 2 घंटे में बनती है, 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं तो पर आवर कितना बनेगा, जब 2 घंटों पे डिवाइड करेंगे, 2 घंटे ही ऊपर से लिए तो 10 रुपए पर आवर कमाई है, अगर इस प्रोडक्ट से लेबर को हटाएंगे तो 10 रुपए की कमाई जाया जाएगी। तो यहां पर अब डिपार्टमेंट 3 में डायवर्जन की कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो डायवर्जन कॉस्ट में फॉर्मूला होता है बेसिक रेट पर आवर प्लस कंट्रीब्यूशन पर आवर, ट्वेंटी रुपीज का बेसिक रेट प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन पर आवर, तो ये 30 पर आवर आ जाएगा, इनटू घंटे कितने चाहिए स्पेशल ऑर्डर के लिए, 300 घंटे चाहिए थे,
तो मेरे मुताबिक ये आंसर आ जाता है 9,000 रुपए। रेलेवेंट कॉस्ट 9,000 रुपए होगी, ले जी जमा कर ले। अगर आप में से किसी बच्चे ने 20 जमा 20 किया तो उसको पता नहीं चला उसने ये चीज़। डेटा पर आवर होना चाहिए लेबर में, इवन कंट्रीब्यूशन भी पर आवर होना चाहिए। नौ हजार ही आता है। जी बेटा 9,000 ही आता है, 9,000 आता है, 9 और 1 10 10 600। मेरा ख्याल है 11,000 आंसर आएगा, मेरा ख्याल है 11,000 आंसर आएगा शायद 4,000 ये। हाँ ठीक है, 11,000 आंसर है आपकी इस एग्जांपल का। हाँ जी ये करें जनाब आप। ये एग्जांपल सॉल्व करें खुद। ये एग्जांपल सॉल्व करें। एग्जाम्पल 15 सॉल्व करें। जो बचा कर ले वो आंसर बता दे। हाँ जी नहीं कर रहे, और जवानों करके जवाब बताओ जल्दी जल्दी, मैंने नहीं करना आपने करना है, शाबाश करो।
जी जनाब, आंसर आना शुरू हो गए हैं, टैली कर ले जरा इसको। क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए 800 घंटे चाहिए, लेबर आवर जो रिक्वायर्ड है वो 800 घंटे हैं, 450 घंटे लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और उनको वर्कर को नॉर्मल रेट का 30% दिया जाता है, यानी फारिक टाइम में नॉर्मल रेट का 30% देते हैं। फारिक टाइम में वर्कर को नॉर्मल रेट का कितने परसेंट देते हैं? 30% देते हैं। तो रिमेनिंग जो टाइम है, अब 800 में से 450 घंटे माइनस करें तो 350 घंटे जो बाकी टाइम है वो कहता है कैन बी फाउंड बाय ओवर टाइम वर्किंग। ओवर टाइम पे किया जाता है 50% नॉर्मल रेट से अबव, या वर्कर को डाइवर्ट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट ओटी से, ओटी से डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आपने ओटी से डाइवर्ट किया तो ओटी की सेल जाया चली जाएगी। ओटी प्रोडक्ट 7 घंटे में बनता है उसका एक यूनिट, और ओटी से कॉन्ट्रीब्यूशन 14 रुपए आता है। नॉर्मल रेट कंपनी का 8 रुपए पर आवर है, तो इसका मतलब है वर्कर के पास टोटल 800 घंटे चाहिए। वर्कर का स्पेयर टाइम जो यूज करेंगे हम, पहले हम 450 घंटे यूज करेंगे, फिर हम वर्कर से जो शॉर्ट टाइम है उसकी यूजेज करेंगे। तो 450 घंटे की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जब हम वर्कर का स्पेयर टाइम यूज करेंगे 450 घंटे इनटू नॉर्मल बेसिक रेट 8 रुपए पर आवर है, लेकिन कंपनी फारिक टाइम में 30% दे चुकी होती है, रिमेनिंग 70% रेलेवेंट है। रिमेनिंग 70% क्या आता है ये बताएं जरा बेटा। रिमेनिंग 70% रेलेवेंट होता है 2520। ये अच्छा, उसके बाद आप वर्कर से ओवर टाइम का मुकाम भी करवा सकते हैं। आप वर्कर से ओवर टाइम काम भी करवा सकते हैं और ओवर टाइम के अलावा डाइवर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट ओटी। ओवर टाइम की कॉस्ट कितनी आएगी? बेसिक रेट 8 रुपए पर आवर है, किधर गई, सारा लिखा हुआ, वो गायब भी हो गया लिखा हुआ। चलो जो लिखा था सब गायब हो गया। जी ओवर टाइम की कॉस्ट कितनी आती है? 8 रुपए पर आवर प्लस 50% ओवर टाइम प्रीमियम देना है, 350 घंटे। और दूसरे केस में डाइवर्जन, वो बच्चा बता सकता है ओवर टाइम की कॉस्ट कितनी आती है?
अच्छा 4200 रुपये। और इसमें बेसिक रेट 8 रुपए पर आवर, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन 14/7 घंटे 10 रुपए पर आवर इंटू 350 घंटे 3500। तो इन दोनों में से लोअर ऑफ लेते हैं, 3500 रेलेवेंट कॉस्ट होगी, ऐसे ही है, 3500 रुपया रेलेवेंट कॉस्ट होगी। सिक्स जीरो टू जीरो। अब बीसवीं एग्जाम्पल बस आखिरी कर रहे हैं, फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट की रेलेवेंट कॉस्ट करेंगे और फिर लेक्चर क्लोज। बस जी जनाब, एग्जाम्पल 20 करें ये, जरा 5 मिनट है आपके पास।
अच्छा जी देखिए जरा, हाँ जी देखिए जरा इसको क्या कहता है। वो कहता है व्हाट इज द रेलेवेंट लेबर कॉस्ट फॉर जी लिमिटेड जॉब। जी लिमिटेड इज प्राइसिंग अ जॉब दैट इन्वॉल्व यूज ऑफ 20 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर। एक ये जॉब ऑर्डर को कहते हैं, एक ऑर्डर ये करने जा रहे हैं जिसके लिए स्किल लेबर के 20 घंटे चाहिए और सेमी स्किल के 50 घंटे चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दो तरह की लेबर है, स्किल लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर। वो कहता है चार एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर्स हैं। कितने वर्कर हैं एग्जिस्टिंग? चार। अब ये स्किल्ड वर्कर का डाटा है, चार वर्कर हैं जिसमें वेजेस रेट पे किया जाता है ₹15 पर आवर। तो ये पर वर्कर डाटा होता है, हर वर्कर को ₹15 पर आवर दिया जाता है विद मिनिमम वीकली वेजेस। हर वर्कर की मिनिमम वीकली वेजेस है ₹450। यानी ये इदारा हर वर्कर को ₹15 पर आवर देता है और टोटल वेजेस 450 की देता है। तो अगर ₹15 पर आवर देता है तो कितने घंटों की वेजेस देगा कि टोटल 450 बनती है हर हफ्ते? जी तो वो घंटे हम निकाल सकते हैं। बताएं जी कितने घंटे की वेजेस देता है इदारा? मेरा ख्याल है ये रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा हर स्किल्ड वर्कर को 30 घंटे की वेजेस अदा की जाती है। हर स्किल्ड वर्कर को 30 घंटे की वेजेस अदा की जाती है और ईच ऑफ देम, ये एक वर्कर का होता है डेटा, और उनमें से हर वर्कर 24 घंटे काम कर रहा है। तो वो प्रेजेंटली जो काम कर रहा है हर वर्कर 30 में से 24 घंटे काम कर रहा है, पैसे हम उसको 30 के दे रहे हैं, काम वो 24 घंटे कर रहा है तो हर वर्कर के पास 6 घंटे स्पेयर है। हर वर्कर के पास 6 घंटे स्पेयर है। हर वर्क इसमें आप सवाल में स्पेयर टाइम निकालना था आपको, 30 घंटे की पेमेंट हम उन्हें कर रहे हैं, ये 30 घंटे इससे निकला है 450 से, पेमेंट हम उन्हें 30 घंटे की कर रहे हैं, काम वो 24 कर रहे हैं, तो एक बंदा 6 घंटे काम कर रहा है तो टोटल चार वर्कर कितने घंटे काम नहीं कर रहे? स्पेयर टाइम टोटल होगा 6 घंटे पर वर्कर इंटू चार वर्कर है इदारे के पास, 24 घंटे स्पेयर टाइम है। और जो ऑर्डर है वो सिर्फ 20 घंटे चाह रहा है। अब आप स्किल्ड लेबर के लिए जितना भी काम है वो स्पेयर टाइम में से यूज करेंगे, स्किल्ड लेबर के पास टोटल 24 घंटे स्पेयर है और हमने उनसे जो काम कराना है वो 20 घंटे का करवाना है, क्योंकि वो टाइम ज्यादा स्पेयर पड़ा हुआ है उनके पास, इसीलिए हम उनको कोई इजाफी पेमेंट नहीं करेंगे। उनके पास 24 घंटे है चारों वर्कर के पास और हमें चाहिए सिर्फ 10-20 घंटे, तो आसानी से 24 घंटों में से 20 घंटे का स्पेशल ऑर्डर परफॉर्म कर देंगे स्किल्ड वर्कर, किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगी। बताएं जी समझ आई ये बात क्या की है मैंने? हाँ जी क्या किया जनाब? आवाज नहीं आ रही कोई। मैंने क्या किया है, मैंने देखा है कि उनके पास जो वीकली वेजेस है उसके मुताबिक उनके पास टाइम पेमेंट कितने घंटे की हो रही है और वो काम कितने घंटे कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि वो 24 घंटे ही निकलते और वो काम भी 24 घंटे कर रहे होते, तो फिर हमें बंदे नए रखने पड़ते, नए बंदे रखते या ओवर टाइम फिर कुछ और डेटा दिया होता। इस सवाल में लेबर के पास, स्किल्ड लेबर के पास 24 घंटे का स्पेयर टाइम है, चार वर्कर है ना, तो चारों का टोटल टाइम देखना है, काम सिर्फ 20 घंटे का है, तो हम कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेंगे। सेमी स्किल्ड यहां से शुरू हो रहा है, सेमी स्किल्ड लेबर फुली यूटिलाइज है, उनका नॉर्मल रेट ₹10 है, ये तो सिंपल है। उनको ओवर टाइम पेमेंट की जा सकती है टाइम एंड हाफ, टाइम एंड हाफ का मतलब होता है 50% एक्स्ट्रा देंगे नॉर्मल टाइम के अलावा, 50% प्रीमियम देंगे। एडिशनल स्किल्ड लेबर हायर भी किए जा सकते हैं,
तो इसमें दो ऑप्शन दे दिए उसने, या तो ओवर टाइम काम करवा लें या हायरिंग कर ले। हायरिंग बताई हुई है 12 रुपए पर आवर है और इनटू 50 घंटे चाहिए, सेमी स्किल के ऊपर लिखा हुआ था। ओवर टाइम कितना बनेगा? नॉर्मल रेट जो इनका था 10 रुपए पर आवर है, हाफ ऊपर प्रीमियम देना है, टाइम एंड हाफ में ये जो ऊपर वाला हाफ है ये प्रीमियम है, 15 रुपए पर आवर। अब देख लें दोनों में से जो कम कॉस्ट है, तो 600 रुपया रेलेवेंट कॉस्ट होगी। चले जी, हायरिंग की कॉस्ट कम है, ये मुकम्मल हो गया। बाकी एग्जांपल लेबर की आप खुद करेंगे, सारी सारी जो लेबर की एग्जांपल है। मैं आखिरी चीज बता रहा हूं, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, बस फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं। अगर आपको स्पेशल ऑर्डर के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, कोई कट ये कोई बिल्डिंग चाहिए, कोई भी चीज आपको नॉन करंट एसेट चाहिए, कोई भी नॉन करंट एसेट चाहिए, बिल्डिंग प्लांट मशीन इक्विपमेंट फर्नीचर गाड़ी, कोई भी नॉन करंट एसेट आपको चाहिए, तो उसमें दो सिचुएशन है, बल्कि दो क्या दो तीन है। वो कहते हैं ये सवाल दोबारा पढ़ देने यार, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना जुहेब साहब, रिकॉर्डिंग बस वेट करें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको कल परसों, जो ये पोर्शन मिस हो गया ये रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप नेट की वजह से पीछे नहीं जा सकते। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, वो रिकॉर्डिंग हो रही है सुन लेना कैंपस इन साइड पे, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट कैसे निकालनी है। अगर जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए नॉन करंट एसेट चाहिए, अगर आपको कोई भी नॉन करंट एसेट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आप उसको किराए पे भी ले सकते हैं। क्या वो कह देगा हायर कर ले। अगर आपको कोई एसेट नॉन करंट एसेट चाहिए अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए और आप उसको किराए पे ले लेंगे, तो उस केस में जितना किराया देंगे वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 2 महीनों के लिए। हायरिंग कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। अगर आपको कोई एसेट चाहिए और वो आपके बिजनेस में मौजूद नहीं है, आप उसको किराए पे ले सकते हैं, तो किराए की कॉस्ट रेलेवेंट होगी। अगर आपके पास एसेट मौजूद नहीं है तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। आप उस न्यू एसेट को परचेज भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई नया एसेट परचेज करते हैं और उसको यूज करते हैं, तो यूज करने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू में कमी आती है। मिसाल के तौर पर मैंने एक एसेट यूज किया, लिया 50,000 रुपए का मार्केट से, आज उसकी 50,000 रुपए कॉस्ट है, मैं उसको 6 माह यूज करता हूं, उसके बाद मैं उसकी मार्केट वैल्यू 6 माह बाद देखता हूं, तो उसकी मार्केट वैल्यू है 40,000 रुपए। जी, आपने कोई एसेट परचेज किया 50 का, 6 माह यूज करके उसकी मार्केट वैल्यू 40 है, यानी अभी मार्केट से 50 का लिया, 6 माह बाद वो मार्केट में यूज के बाद सेकंड हैंड कितने का बिकेगा? 40 का।
तो उसकी मार्केट वैल्यू में जितनी कमी आ रही है वो फॉल इन मार्केट वैल्यू रेलेवेंट कॉस्ट है, फॉल इन मार्केट वैल्यू एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। जो मैंने 6150 का लिया, कल को इस्तेमाल के बाद 40 का बिकेगा तो कितना कमी आ गई वैल्यू में, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू में कमी आई है वो रेलेवेंट कॉस्ट है। आई कैप फॉल इन मार्केट वैल्यू नहीं कहता, आई कैप कहता है इसको डेप्रिसिएशन कह दो, आई कैप कहता है नए एसेट की डेप्रिसिएशन है ये। तो एज पर आई कैप आप डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट को ले सकते हैं, वो फॉल इन मार्केट वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो कोई मसला नहीं, इतना कोई इशू नहीं है, जवाब सेम ही आना है। अगर एक एसेट 50 का था बाद में 40 का रह गया तो कितने से वैल्यू गिरी है, और जितनी वैल्यू गिरी है उसको आई कैप डेप्रिसिएशन कहता है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट ली जा सकती है, क्योंकि पुराने एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो पुरानी कॉस्ट पे निकल रही होती है, संक कॉस्ट पे। नया एसेट अगर आप अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए परचेस करेंगे तो नए एसेट की डेप्रिसिएशन या फॉल इन मार्केट वैल्यू जो भी दे दे या डेटा जो बता दे, फॉल इन मार्केट वैल्यू आसान होती है, डेप्रिसिएशन आपको फिर वो स्ट्रेट लाइन से निकालनी पड़ेगी। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि नया एसेट परचेस करें तो उसकी फॉल इन मार्केट वैल्यू या डेप्रिसिएशन में से जो भी निकल सके वो रेलेवेंट होगी। मसलन वो आपसे कहता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक मशीन खरीदेंगे 7.5 लाख की, 7.5 लाख की मशीन खरीदेंगे, जो प्रोजेक्ट एंड होगा जब तब मशीन वो बिक सकेगी 4 लाख की, स्पेशल ऑर्डर पे यूज करने के बाद वो 4 लाख की बिक सकेगी। तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू में 3.5 लाख की कमी आ गई यूज करने की वजह से, तो वो 3.5 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये है। अब वो ये भी कह सकता है कि आपका एसेट 7.5 लाख का है जिसकी लाइफ 10 साल है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ 3 माह इस्तेमाल करना है। तो अब आप 3 माह की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 3 माह की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो 7.5 लाख की कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू नहीं दी हुई और 10 साल लाइफ है, पर एनम आएगी डेप्रिसिएशन, फिर इसको 3/12 कर दें, फिर वो डेटा ऐसा होगा। अगर फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए, यूज के बाद किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू ज्यादा नहीं होती, कम होती है, बढ़ जाए तो फिर आप गेन ले लेंगे, अपॉर्चुनिटी गेन, कोई मसला नहीं। तो फॉल इन मार्केट वैल्यू या डेप्रिसिएशन दोनों ले सकते हैं, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन आई कैप कहता है नहीं ले ले बच्चा, तो हमने फड्डा नहीं डालना। अब आई कैप के मुताबिक मैं इसको प्रेफर करता हूँ, फॉल इन मार्केट वैल्यू, इधर लाइफ नहीं दी होगी लेकिन इधर लाइफ दी होगी मशीन की, इसीलिए आई कैप के मुताबिक डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट ले सकते हैं। और अगर आप अपना एग्जिस्टिंग एसेट यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, अगर हम अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने उस एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है। या उसी तरह का सेकेंड हैंड एसेट कितने का मिल रहा है, नया नहीं, उसी तरह का सेकेंड हैंड एसेट कितने का मिल रहा है, दोनों निकाल कर अपने एसेट को यूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या उसी तरह का एसेट बाजार से लाने की कॉस्ट, दोनों में से लोअर ऑफ ले लेंगे। कोई भी एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट आप यूज कर रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या उसी तरह का सेकेंड हैंड एसेट बाजार से कितने का मिल रहा है, परचेज कॉस्ट, अगर दियो एग्जिस्टिंग एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, क्योंकि एग्जिस्टिंग एसेट आपने जब माजी में खरीदा था तो इसकी कॉस्ट भी संक है, इसकी डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसकी बुक वैल्यू भी संक है,
क्योंकि ये माजी में खरीदा था, एग्जिस्टिंग का मतलब है जो आपने 2-5 साल पहले खरीदा था, तो कोई भी जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, उसकी कॉस्ट नहीं लेनी, उसकी बुक वैल्यू नहीं लेनी, आपने उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है जैसे रॉ मटेरियल की लेते हैं, पड़े हुए रॉ मटेरियल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या उसी तरह का सेकेंड हैंड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ज्यादातर वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही कम होती है, ज्यादातर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही कम होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, उसी तरह का सेकेंड हैंड एसेट कितने का परचेज हो सकता है मार्केट से, और ये दी होगी तो ठीक है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही रेलेवेंट है, दोनों देना जरूरी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल दे दूं, वो सिंपल है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ऑर्गन, वो आपसे कहेगा कि आपका ये एसेट जो है ये इतने का मार्केट में स्क्रैप हो सकता है प्लांट, अगर आप इसे यूज करेंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जैसे मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन नहीं होती, वैसे नॉन करंट एसेट की भी तो स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन हो सकती है, कोई रेंटल इनकम फॉरगॉन, आप एसेट को किराए पे दे सकते थे लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करेंगे तो किराया इनकम फॉरगॉन होगी, ये प्लांट मशीनरी होगी नॉन करंट एसेट, ये आपकी कोई प्लांटेड मशीनरी है जिसको आप किराए पे भी दे सकते थे, कोई जनरेटर था जिसको किराए पे दे सकते थे, आपने जनरेटर को किराए पे देने की बजाय अपने स्पेशल ऑर्डर पे यूज किया तो स्क्रैप वैल्यू या रेंटल इनकम फॉरगॉन हो जाएगा। और भी मिसालें हो सकती है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन भी आ सकता है, क्या आपने इस मशीन से कोई प्रोडक्ट और बनानी थी, अब आप स्पेशल ऑर्डर पे जब इस्तेमाल करेंगे तो मशीन से वो अदर प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, ये तो मैंने उस दिन भी बताई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। ले जी, ये हमारा रूल मुकम्मल हो गया नॉन करंट एसेट का भी, नॉन करंट एसेट ज्यादातर आता नहीं, और अगर आ जाए तो कुछ बच्चे अपनी कॉमन सेंस से ही कर जाते हैं, ठीक है, पुराना किराए पे ले रहे हैं तो किराए की कॉस्ट और किराए पे ले रहे हैं, नया खरीद रहे हैं तो डेप्रिसिएशन या फॉल इन वैल्यू, और अगर पुराना ही यूज कर रहे हैं पड़ा हुआ बिजनेस में तो उसकी पुराने की कोई कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या सेकेंड हैंड जो नया खरीद सकते हैं उनमें से लोअर ऑफ रेलेवेंट है। तो इसकी भी एग्जांपल है, मेरा ख्याल है एक है या दो है, मैं बताता हूँ, इसकी दो एग्जांपल है सिर्फ 26-27। तो अब आपने एग्जांपल 1 से लेकर एग्जांपल 27 तक जितनी है सारी करनी है, चाहे जो मैंने करा दी है या नहीं कराई, सारी करके आनी है कल, बस आज इतना ही, चैप्टर खत्म हो गया, कल इसकी प्रैक्टिस है, कल और परसों, बस 2 दिन। अब आपको रूल नहीं समझ आते, अगर आपको रूल नहीं आता तो भी नाकाम है, और अगर आपको रूल आता है लेकिन आपको सिचुएशन पढ़नी नहीं आती तो फिर तो आप बिल्कुल ही नाकाम है। तो इस चैप्टर में याद रखें, सबसे पहले रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, और फिर रूल लगाना है। आप डायरेक्ट रूल लगाते हैं और गलत हो जाता है, तो पहले रीड करके समझना है सिचुएशन कौन सी है। बार दफा मेरी बताई हुई सिचुएशन में से कोई भी नहीं लगती, ये जो मैंने बताई है इनमें से कोई भी नहीं लगती, कॉमन सेंस लगती है कि फ्यूचर की कैश पेमेंट है, कोई भी ऐसी कहानी आ जाती है तो कोई मसला नहीं। आपने रेलेवेंट कॉस्ट की जनरल डेफिनेशन याद रखनी है कि हर वो कॉस्ट रेलेवेंट होगी जो फ्यूचर की हो, जो कैश में दे रहे हो और ड्यू टू डिसीजन हो। अगर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा रूल मिल जाए जो मैंने नहीं बताया हुआ, तो आप उसके या तो ये जनरल रेलेवेंट कॉस्ट का रूल लगा दें या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रूल ढूंढें। ये दो नहीं लग रहे तो फिर पता नहीं कौन सा लग रहा है, फिर नहीं लग रहा होता कोई। चले ओके, फिर अल्लाह हाफिज। सैटरडे का भी शेयर करना है, हाँ ठीक है, कर देते हैं सैटरडे का भी शेयर कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। टेस्ट भी कल टैली कर देंगे, वो जो प्रोसेस का था वो कल टैली करेंगे क्लास में, क्योंकि मेरे पास अभी टेस्ट नहीं और वैसे भी टाइम खत्म हो गया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, टेस्ट क्लास में टैली करेंगे।